हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्चुअल ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। कि कहीं पे भी इस चैप्टर में डी लगा होगा तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, राइट। और ऑलवेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन करते हैं। वैसे ही कहीं पर अगर इस टाइप का ट्रायंगल बना होगा, डैट इज़ डेल्टा, तो इसका मतलब हो गया बिग चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेट इज ऑलवेज डिफाइंड फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। कहीं पे भी अगर इस टाइप का कोई साइन होगा, डेट इज दो बिग ब्रैकेट होंगी, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट में मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके। तो दैट इज नथिंग बट एक तरीके से मोलारिटी भी हो गया, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कहीं पे स्मॉल आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है रेट। रेट कहीं पे भी हो वो ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है? एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर किसी क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट वर्ड आपको लगा देना है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इस चैप्टर में एक पॉइंट और ध्यान देना, रिएक्टेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? डिसअपीयरेंस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होंगे, खत्म होंगे, उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा, इसलिए डिसअपीयरेंस वर्ड यूज किया जा सकता है, कंजम्पशन वर्ड यूज किया जा सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगा, इसीलिए रिएक्टेंट में हम ऑलवेज माइनस साइन लेकर के चलेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपीयर होगा क्योंकि फॉर्म होगा वो, तो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर सकते हैं या फॉर्मेशन की। दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होगा, राइट। इसीलिए इसका चेंज फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा, पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हमें माइनस साइन लेके चलना पड़ता है। जो यूनिट होगी, चाहे वो रेट की या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, सबकी यूनिट सेम होगी, और डैट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इसलिए मोलारिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। टाइम की कौन सी यूनिट आप यूज करो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट में अगर बात करें टाइम का, तो अगर सेकेंड लोगे तो मोलारिटी सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, डैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कंसेप्चुअल ट्रिक है जो इजी है, सब लोग जानते हैं। नाउ द मेन ट्रिक, कि आपको कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवेन हो, कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवेन होंगी क्योंकि आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पे आर ओ आर का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि सिर्फ रेट बोल देने से भी काम चल जाएगा, सिर्फ रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल ए बी डी ई है वो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल ए बी है वो रिएक्टेंट को बता रहा है, और जो डी है वो प्रोडक्ट को बता रहा है। तो कभी भी इस टाइप से, ट्रिक का जो मेन पॉइंट है वो यहीं पे समझे, कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवन हो तो आप डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सीधा जो रिएक्टेंट होगा, डी मतलब वही चेंज, और ये मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, ये आपको लिख देना है। और माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस साइन क्यों लगेगा? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी पहले नेगेटिव लगा दिया है, राइट। तो रिएक्टेंट में माइनस लेके चलना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे भी आपको समझाया कि रिएक्टेंट में माइनस लेके चलना है। सिमिलरली बी रिएक्टेंट था तो डी बी बाई डी टी और माइनस लगा दिया। डी प्रोडक्ट है तो डी डी बाई डी टी कोई साइन नहीं लगाया, मतलब बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन है, और ई प्रोडक्ट था तो डी बाई डी टी। ओके, ये क्विकली लिख देंगे, ये कोई भी लिख सकता है। और क्या करना है? स्टैक्योमेट्री को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू में ए, ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में डी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में ई। वेरी सिंपल, बात समझे? आपको जैसे ही एक रिएक्शन दिखे,
तो पहला काम आपको 10 सेकंड के अंदर में क्या कर देना है, ROR इज इक्वल टू रिएक्टेंट में माइनस लगा करके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम और उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना। वैसे दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाय टाइम उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय टाइम उसके स्टॉइकोमेट्री से उसको डिवाइड कर देना, दूसरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय टाइम और उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना। कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन एंड प्रेशर क्या होते हैं डायरेक्टली, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं dP बाई dT और वही चीज़ रहेगा उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड। तो कंसंट्रेशन को प्रेशर से भी चेंज किया जा सकता है। नाउ एक एग्जांपल से समझाओ सर, तो वेरी सिंपल, अगर मान लो N2 3H2 गिव्स यू 2NH3, ये रिएक्शन देखिए आपको, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे माइनस में dN2 बाई dT एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा रिएक्टेंट को ना हाइड्रोजन माइनस में dH2 बाई dT क्यों लिखना समझ गए, दोनों रिएक्टेंट है माइनस, प्रोडक्ट कौन है NH3 तो dNH3 बाई dT इतना लिख लो। अब क्या करना है, इसका कॉफिशियंट कितना 1, तो 1 से डिवाइड करोगे वही बात रहेगी, इसका कॉफिशियंट कितना 3 तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, इसका कॉफिशियंट कितना 2 तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, दैट्स इट, वेरी सिंपल है ये ट्रिक, समझे बात को। तो ये आपका लिखा गया, ये क्या हो गया आपका ROR डैट इज रेट हो चुका है, ROR या R एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही अगर प्रेशर के टर्म में लिखना होता तो सेम वही बात, प्रेशर ऑफ N2 बाई dT राइट, प्रेशर ऑफ H2 बाई dT माइनस क्यों लिया क्योंकि रिएक्टेंट था, और प्रेशर ऑफ NH3 बाई dT प्लस क्यों लिया क्योंकि प्रोडक्ट में, और सिंपल यहाँ पे भी अगेन 1 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड होगा। तो वेरी सिंपल है ये ट्रिक, इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आए हैं, जो अभी मैं एप्लीकेशन में बात भी करूँगा कि जो भी बैलेंस रिएक्शन गिवन होगा उसका चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम और डिवाइड कर देना उसके स्टॉइकोमेट्री से, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दे, अगर स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अगर इसके बारे में बात करेंगे विदाउट स्टॉइकोमेट्री, तो फिर ये फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्टॉइकोमेट्री मैं नहीं लूँ तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई, जो फॉर्म होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या मेंशन है, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टॉइकोमेट्री डिवाइड होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन उनमें स्टॉइकोमेट्री डिवाइड नहीं करते हैं, जस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। तो अगर सिर्फ स्टॉइकोमेट्री डिवाइड नहीं है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उसको स्टॉइकोमेट्री को डिवाइड करना है। पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है तो वही रेट ऑफ कंजप्शन या फॉर्मेशन भी है और वही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। बट अगर 1 नहीं है स्टॉइकोमेट्री तो आपको ध्यान देना, अगर स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड है तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, और अगर डिवाइड नहीं है तो वो सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट। तो आई होप ये मेरे ट्रिक वाले पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एप्लीकेशन में जाने से पहले एक छोटी सी ज्ञान की बात, तो ध्यान से देखो कि मैंने ये एक रिएक्शन लिया N2 3H2 gives you 2NH3। अगर मुझसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या ROR रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप किसी के भी टर्म में लिख सकते हो। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा N2 के टर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में dN2 बाई dT चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टाइम, और इसका स्टॉइकोमेट्री बाय द वे 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेट को अगर मुझे H2 के टर्म में लिखना होगा तो माइनस में dH2 बाई dT, मैंने पहले बोला आप ऐसे लिख दो, उसके बाद इसका स्टॉइकोमेट्री 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अगर NH3 के टर्म में लिखना है तो प्रोडक्ट है तो प्लस dNH3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dT, और इसका स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा हम कब करेंगे, जो क्वेश्चन में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसका लिख करके वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वो हम किसी रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, और ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर वहीं पर रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है तो फॉर्मेशन मतलब फिक्स हो गया, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो सिर्फ कैसे डिफाइंड होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dT, ध्यान दे बस इतना ही, इसमें स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड नहीं करना है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन को बता रहा है।
अगर इसी में मैं डिवाइड कर देता स्टॉइकोमेट्री से 1/2 इंटू डी एन एच थ्री बाई डी टी, तो फिर ये क्या हो जाता, ध्यान से देखो, ये हो जाता रेट, फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता। तो इसलिए ध्यान से समझना है, वैसे ही कहीं पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 के बारे में बात कर रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 रिएक्टेंट है, माइनस लगा दो बाय डीटी, ये हो गया। बाय द वे यहाँ पे चूंकि इसका स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो यही आपका ROR भी हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो वैसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई टाइम, बस इतना ही, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, दैट्स इट। इसमें स्टॉइकोमेट्री का कोई यूज नहीं। अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता स्टॉइकोमेट्री से, दैट इज माइनस ऑफ DH2 बाई DT, और स्टॉइकोमेट्री H2 का 3 से डिवाइड कर देता, तो फिर ये क्या बन जाता, ROR। तो इसलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने क्लियरली बताया कि स्टॉइकोमेट्री से नहीं डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस होगा, कर दोगे तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है तो सब कुछ सेम हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ये बैलेंस रिएक्शन आपको गिवन था, और इसमें इंफॉर्मेशन ये था कि FeSO4 का 10 मोलर से 8.8 मोलर होने में आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट आपको बताना है, सम नंबर आएगा इंटू 10^-6 मोल पर लीटर पर सेकेंड में, राइट। ये 2023 में 11 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं। आपको हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख दो, तो R, और किस किस का मैं लिखूँगा, इसका और इसका, क्योंकि इन्हीं दोनों का निकालना, राइट। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है तो माइनस में 1/6 और DFeSO4/dt, दिस शुड बी इक्वल टू, एक प्रोडक्ट है ये, तो क्या लिखूंगा, 1/3 स्टॉइकोमेट्री DFe2SO4 whole thrice by dt, ये इक्वल होंगे। नाउ हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन, ओनली ये पूछा गया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 3/6, राइट, और ये चेंज, तो FeSO4 का चेंज देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 8.8 - 10, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान देना यूनिट का, सेकेंड इन्वर्स में, यहाँ पे टाइम आवर में है, तो 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये आपका आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो आप 10^-6 में बताना है, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, राइट, ये आपका आ जाएगा ऊपर में 1.2, नीचे में 2 × 3 × 6, और ये 10^2। हमें 10^-6 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, इसका एक और हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10^3, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 1000 / 2 × 3 × 6, और ये 10^-6 ऊपर हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखो 6 × 12, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 333.3 × 10^-6, तो योर आंसर विल बी 333 इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए गिव्स यू बी, ऐसा गिवन था, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेज बाय 0.2 मोलर इन 30 मिनट, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, सम नंबर इंटू 10^-1 होगा, मोल पर लीटर, ध्यान दे आवर इनवर्स में, तो ये बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना है। एवरेज रेट क्यों पूछा है, क्योंकि जो चेंज है वो आपको दिख रहा है, सिग्निफिकेंट है, बड़ा चेंज है, और टाइम भी चेंज में बड़ा है, राइट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम, 30 मिनट है उसका ध्यान रखना आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड, तो ऊपर चला जाएगा 60, तो यह आ गया मोलारिटी पर आवर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या होगा 0.2 का ये, तो 10 से 10, 3 × 6, 2 × 4, तो ये 4 × 10^-1 हो गया, तो योर आंसर विल बी 4। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया, 2a + 3b + 3/2c गिव्स यू 3p, तो 4 ऑप्शन गिवन थे, कौन करेक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ DNA मोल्स ऑफ ए
बाय डी टी, और 2 से डिवाइड करना ना भूलेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बी मोल्स ऑफ बी बाय डी टी, और 3 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी मोल्स ऑफ सी बाई डी टी, और ध्यान दें यहाँ पे 3 बाई 2 से डिवाइड करना है, तो 3 और 2 चला जाएगा आपका ऊपर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ये माइनस को हटा दें सबका, तो क्या हो जाएगा, डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 2 इधर, 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ डी एन बी बाई डी टी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 बाई 3 टाइम्स ऑफ डी एन सी बाई डी टी। सबका अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मोल्स में लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स ए गिव्स यू वाई बी, तो आपको बताना था ये चार ऑप्शन में से क्या होगा, या एक्स वाई के बारे में पूछ सकता है इंटीजर टाइप में, और रिलेशन आपको गिवन था कि लॉग 10 माइनस डी ए बाई डी टी लॉग 10 डी बी बाई डी टी प्लस 0.301। तो कुछ बच्चे तो लॉग देख के डर जाते हैं, राइट, डरने की बात नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.303, राइट। अब उसके बाद आप क्या बना लोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग 10 डी बी बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, लॉग 10 माइनस डी ए बाई डी टी। डरना नहीं बेटा, लॉग कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और ये 2 को नीचे डिवाइड कर दो, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, माइनस में 1/2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स गिव्स यू वाई, इस टाइप का होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो, तो यहाँ पे इसका अगर मैं डबल करूँगा तो ये मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ये तो दोनों सेम ही थे, और यहाँ पे ध्यान देना कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, ये 2 टाइम्स ऑलरेडी है, तो ये आपका नहीं हो सकता, राइट, क्यों, क्योंकि हमें 2 टाइम्स ऑफ एक्स गिव्स यू वाई, तो वी कैन राइट 2C2H4 गिव्स यू C4H8, एक रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, या x की वैल्यू पूछता तो x शुड बी 2 और y शुड बी 1, तो इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का जब भी पूछे तो कांस्टेंट को लॉग की वैल्यू से एडजस्ट करो, उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो और आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिएक्शन आपको ऑलवेज बैलेंस रिएक्शन गिवन होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस MnO4- माइनस का गिवन था, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछा है, राइट, तो अगेन वही सेम पॉइंट, पहले आप ROR लिख दो, कभी भी ROR किस किस का लिखना है, एक MnO4- माइनस का और एक I2 का। MnO4- माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 DMnO4- माइनस बाई डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर I2 का लिखेंगे तो प्रोडक्ट है 1/5 DI2/DT। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ध्यान दें सिर्फ इतना वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अपीयरेंस सिर्फ इतना, तो दिस शुड बी इक्वल टू, 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 टाइम्स ऑफ DMnO4/DT जो आपको गिवन है 4.56×10^-3। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं और गुना या डिवाइड करने लगते हैं, ये सब नहीं करना, ऑप्शन चेक करो, ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 2.5×4, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने से कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, जस्ट ऑप्शन चेक करो आप और आपका आंसर आएगा। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो जैसे देखो एक हाथ में 5 उंगली होती है, वैसे यहाँ पे मैं आपको 5 ट्रिक दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस ये 5 ट्रिक से आप इजीली किसी भी रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए की पावर सम एक्स और बी की पावर सम वाई, राइट। तो आपको इस पे बेस क्वेश्चन कैसे देगा कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो गया है, अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है कि कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का डबल करने से रेट डबल हो जा रहा है, तो डबल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, तो ये 1 आया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1।
वैसे ही कहीं पे अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो जो पावर आया ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2 उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली कहीं पे ऐसा रहा है कि डबल करने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा इन द सेंस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डैट मीन्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम में आपको बताएंगे भी। तो ये मेरा एक ट्रिक हो गया कि सिंपल आपको इस तरीके से ऑर्डर निकालना है। पॉइंट नंबर 2, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हाफ लाइफ मेथड से भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर सपोज करो 0 ऑर्डर होगा तो n क्या हो जाएगा 0, इसलिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, डैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, डायरेक्टली है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता n 1 पुट करते तो इंडिपेंडेंट, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर है, एकदम याद रखना बेटा ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर। और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो डैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो हाफ लाइफ क्या हो गया इनवर्सली रिलेटेड। तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली है तो 0 ऑर्डर, इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्सली है तो सेकेंड ऑर्डर, क्या हाफ लाइफ टाइम, एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कई बार यूज होगा ये। नेक्स्ट मेथड जो है या नेक्स्ट ट्रिक जो है वो अगेन कि आप a को फिक्स रखो, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, a को फिक्स रखा और b का वेरिएशन देखा, और b का वेरिएशन देखा डबल करने पे अगर डबल हो जा रहा है सेम इसी टाइप का पॉइंट, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है, क्योंकि डबल को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। डबल करने पे अगर रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 है, तो ऑर्डर 2 है। तो ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो है आपका रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ कब वेरी करेगा, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे, कंसंट्रेशन चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, मोल्स चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, जो भी चेंज कर लो, ये चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जरूर चेंज होगी, आर चेंज होगा, कंसंट्रेशन जरूर चेंज होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए जब इसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट पे इफेक्ट होगा, और इसको ठीक वैसे ही आपको रिलेट करना है। पॉइंट नंबर 4, वाया यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, इसकी यूनिट से भी हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। कैसे, वी नो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, डेट इज रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की पावर एन, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर बाई कंसंट्रेशन ए की पावर एन। यू नो आर की यूनिट तो फिक्स ही है, मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे ये क्या हो गया मोलारिटी की पावर एन, तो इसलिए क्या हो जाएगा मोलारिटी की पावर 1 - n। तो आपको क्या कर देना है, मोलारिटी जो आपको गिवन होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट, उसको 1 - n से इक्वेट कर देना, तो आपको ऑर्डर आ जाएगा वहाँ से। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड वाया ग्राफ भी निकाल सकते हैं, राइट, जैसे हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ गिवन हो या रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का ग्राफ गिवन हो, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पाँचवा जो ट्रिक है लास्ट, डैट इज एलिमेंट्री, कहीं पर अगर ये वर्ड यूज कर दे रहा है कि इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, तो डैट मीन्स जो रिएक्टेंट में स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वही पावर में चले जाएंगे, इसलिए ऑर्डर आपको पता लग गया। तो इस वर्ड पे ध्यान देना, एलिमेंट्री वर्ड अगर कहीं पे लिख दिया है तो जो स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, सारे रिएक्टेंट का, वही पावर में चला जाएगा, डैट मीन्स ऑर्डर आपको मालूम है, ये वर्ड लिखा होना चाहिए। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैकेनिज्म गिवन है आपको, तो फिर स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, डैट मीन्स वहाँ से आप रेट का इक्वेशन लिखेंगे, और जो मैकेनिज्म गिवन होगा उसमें हर एक स्टेप आपको क्या मानना है, एलिमेंट्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना। तो ये 5 ट्रिक से मैं अभी आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन होगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म गिवन है, और कौन सा स्टेप स्लो है फास्ट है वो सब गिवन होगा, सिर्फ अब हमको
इसका यूज कर करके इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना होगा। तो कैसे करते हैं, अभी आपको पॉइंट नंबर 5 बताया था कि मैकेनिज्म का हर एक रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप से आप क्या लिख देंगे, रेट। और रेट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट कौन है, NOBr2, उसका पावर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1, क्योंकि हर एक स्टेप एलिमेंट्री मानना है। उसके बाद एक और बचा NO, उसका भी पावर 1। क्यों, क्योंकि इसका भी स्टोइकोमेट्री 1 है। उसके बाद आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है कि क्या इसमें कोई नया बंदा आया है। नया बंदा का सेंस क्या है कि NO आपके मेन रिएक्शन में, आपको मेन रिएक्शन से कंपेयर करना है। NO तो प्रेजेंट है लेकिन NOBr2 नहीं है, Br2 है, ये NOBr है, ध्यान देना, ये NOBr है, ये NOBr2 है। डेट मीन्स ये एक नया बंदा आ गया, तो इसको यहाँ से हटाना है, सिंपल सी बात। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे कि ये अगर फास्ट रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, पावर 1, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज NO का पावर 1, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1 है और Br2 का भी 1 है, तो Br2 का पावर 1। और यहां से आपको इसको हटाना है, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं, NOBr2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NO कंसंट्रेशन Br2, राइट। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, तो पुट कर दोगे, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, K इंटू के इक्विलिब्रियम अनदर कांस्टेंट K डैश, अब NOBr2 की जगह क्या जाएगा, NO और Br2, NO दो बार हो गया, तो NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1। क्या ये मेरा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो यस। क्यों है, क्योंकि इसमें कौन है, ध्यान से देखो, NO आपके मेन रिएक्शन में, यस है, Br2 मेन रिएक्शन में है, यस है। तो बस आपको ये देखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई एक ऐसा बंदा ना आ जाए जो आपकी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ना हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, डजेंट मैटर, अगर वो मेन रिएक्शन में नहीं है तो उसको हटाना है वाया यूजिंग अनदर मैकेनिज्म पार्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इधर पावर 2 और इधर पावर 1, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, तो योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 2AB2 gives you 2AB, और देखो अगेन इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। ये बोल रहा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे ही ये बोला तो मैं रेट क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखो, सम कांस्टेंट रिएक्टेंट A और इसका स्टोइकोमेट्री 2 है, तो ये पावर में, फिर रिएक्टेंट B2, ध्यान दे इधर वाला नहीं, इधर आगे का नंबर, तो पावर 1, उधर कुछ भी नंबर हो कोई मतलब नहीं है। तो ये रेट हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि एलिमेंट्री बोला जा रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस, कम किया गया है बाय ए फैक्टर ऑफ 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो अगेन आपको बताया इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम को आपने 1/3 कम किया, राइट, रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 3, तो यू नो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को V/3 करेंगे तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, राइट, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक और 3 आएगा, तो 3 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा रेट आपका, ध्यान से देखो, 27 टाइम्स। इस बात को समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चूंकि नीचे और वॉल्यूम को क्या किया गया, रिड्यूस बाय 1/3 टाइम्स से रिड्यूस किया गया है, तो मतलब अभी वॉल्यूम पहले V था, तो अब क्या हो जाएगा, C-MV/3, तो इसलिए ये 3 ऊपर गया, तो इसलिए C- क्या हो जाएगा, MV/3, डैट मीन्स कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से 3 टाइम्स, इसलिए ये पावर 2 था तो 3 का पावर 2, यहाँ 1 था तो 3 का पावर 1, डैट मीन्स 27 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आपको एक रिएक्शन गिवन है 2NO 2H2 gives you N2 and 2H2O, H2 का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपका प्रेशर गिवन है, NO का प्रेशर गिवन है और रेट गिवन होगा, तो आपको पूछा जाएगा कि NO का क्या ऑर्डर होगा, H2 का क्या ऑर्डर होगा, या ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो आप, कि ध्यान से देखो आपको क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है, ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया, H2 को फिक्स, इसका प्रेशर को वेरी नहीं कराया, और NO का क्या हुआ, 40 से 20, डेट मीन्स हाफ हो गया, तो रेट में क्या हुआ, ध्यान से देखो,
रेट आपका क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। ध्यान से देखो, जब आपने प्रेशर को हाफ किया तो रेट क्या हो गया, ध्यान से देखो, 1/4 टाइम्स हो गया। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो जो आपको ट्रिक बताया था, तो ये पावर कितना आ गया, 2। तो इसलिए NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही अगर मुझे H2 का निकालना होता तो मैं क्या करता, फिर NO को फिक्स करता। ध्यान से देखो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट को आपको चूज करना है। इसमें NO को फिक्स कर दिया तो H2 का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो, हाफ हो रहा है। तो हाफ होने पे ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये भी हाफ हो गया। डेट मीन्स अगर मैं हाफ कर रहा हूँ H2 का प्रेशर, तो रेट भी हाफ हो रहा है। तो हाफ को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1, राइट। तो यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाता, 1। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा है, सिर्फ ऑर्डर बोल दिया है, तो 2+1 डेट इज 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO बताओ तो 2, H2 बताओ तो 1। तो वेरी सिंपल है। अगेन एक और क्वेश्चन नंबर अब 3 देखो, सेम इस टाइप से रिएक्शन दे करके, और ये गंदे गंदे नंबर दे देगा। कुछ बच्चे ये देख करके डर जाते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं। सिंपल, हमें ऑर्डर पूछा है। अगेन आप क्या करो, एक बार H2 को फिक्स करो, वो दिख जाएगा एक्सपेरिमेंट में। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में H2 फिक्स किया हमने, और NO का क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, NO का 3 हो रहा है, राइट। क्योंकि ये दोनों चीज़ तो दोनों में कॉमन है, 8, 3, 24, 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये भी 3 टाइम्स हो रहा है। कैसे, क्योंकि 2.1 को हटाओगे तो ये 10^-9 हो जाएगा, तो 7, 3, 21। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 3 टाइम्स किया तो वो भी 3 टाइम्स हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3^1। तो इसलिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना हो जाएगा, 1, अगर NO का पूछता तो। उसके बाद आप क्या करो, आप इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या हो रहा है, NO फिक्स कर दिया, 24 फिक्स कर दिया NO। उसके बाद H2 का देखो क्या किया आपने, H2 8/4 था, ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये कितना टाइम्स हो, ध्यान से देखो, ये भी 4 टाइम्स, 21/84। तो डैट मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं H2 का 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो वो भी 4 टाइम्स। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4^1। तो यहाँ पे H2 का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो 1+1 डेट इज 2, NO के रेस्पेक्ट में 1, H2 के रेस्पेक्ट में 1। वेरी सिंपल है ये, जस्ट एक को फिक्स करो, दूसरे का चेंज देखो, दूसरे का चेंज रेट में क्या चेंज ला रहा है उसको रिलेट कर लो, जो भी आपको ट्रिक में बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे। आपको एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में ए और बी का कंसंट्रेशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में और रेट गिवन आपको, तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है और वाई, ये दो अननोन फाइंड आउट करना था। तो देखो कैसे क्विकली करेंगे। सबसे पहले रेट में देखो, पावर सबका सेम नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको रीअरेंज करके लिख दो। इसको 6 × 10^-3, इसको 24 × 10^-3, इसको 12 × 10^-3, इसको 72 × 10^-3, इसको 288 × 10^-3। ऐसा करने से अब आपको देखने में इजी हो जाएगा। अब वही सेम कंसेप्ट लगा कि मैं एक बार ए को फिक्स कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसमें ए फिक्स हो गया और बी को क्या किया, डबल, ध्यान से देखो, 0.1 का डबल 0.2। तो बी को डबल करने से रेट क्या हो गया, ध्यान से देखो, 4 टाइम्स। डैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब मैं बी को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स, 4 को आप क्या लिखोगे, 2^2, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2, ऑर्डर बी के रेस्पेक्ट में हो गया 2। वैसे ही अब बी को फिक्स करो तो बी कहाँ पे फिक्स होगा, ध्यान से देखो, 1 और 3 में, 0.1, 0.1, बी को फिक्स किया तो 1 और 3 भी इसका देखना है। तो आपने ए को क्या किया, डबल, तो 1 और 3 इसका देखो, तो डबल करने से क्या हो रहा है, 6 × 12 डबल। तो ए में क्या देख रहे हैं कि डबल करने से डबल, डबल को क्या लिखोगे, 2^1, तो ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। इसलिए अब आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R = सम कांस्टेंट के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 और बी के रिस्पेक्ट में 2। तो अब यहाँ पे आपको रेट मालूम है, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, तो के निकल जाएगा। तो पहले के निकालो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, तो रेट आपका कितना है, 6 × 10^-3 = के नहीं मालूम है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 और बी का कंसंट्रेशन भी 0.1, लेकिन स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, राइट।
तो ये 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या यहाँ पे क्या आ गया आपको 6। अब आप निकाल सकते हो x। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आप पॉइंट लगा दो कि r इज इक्वल टू 4 का r कितना है 72 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k, आपको मिल चुका है 6 इंटू कंसंट्रेशन a, तो a तो वही निकालना है आपको x, और कंसंट्रेशन b तो b ध्यान से देखो है आपका 0.2 इंटू 0.2, क्यों? क्योंकि इसका पावर है 2। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आपको कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन x, डेट इज 0.3। और सिमिलरली आप पुट कर करके y भी निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा 0.4। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा 0.3 और y का आंसर हो जाएगा आपका 0.4। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि ए स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा। प्रेशर और टी हाफ का उसको डाटा मिला कि प्रेशर 50 था तो हाफ लाइफ टाइम 4 सेकेंड, फिर 100 था तो 2 सेकेंड, 200 था तो 1 सेकेंड, 400 था तो 0.5 सेकेंड। तो ध्यान से देखो ये सब कहानी बहुत सुनाएगा। टेम्परेचर, कुछ बच्चे टेम्परेचर देख के डर जाते हैं, कुछ बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि रफ़ी सर का ट्रिक आपके साथ है। आपको क्या बताया है कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली पर्सनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, राइट। अब उसके बाद हमने आपको बता रखा हूँ कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली पर्सनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ इंडिपेंडेंट ही हो जाता है, राइट, नो इफेक्ट यू कैन से। और सेकेंड ऑर्डर में क्या बता रखा है, टी हाफ इज इनवर्सली पर्सनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बस देखो, ध्यान से देखो, जब 50 था तो 4, आपने डबल किया बढ़ाया तो ये क्या हो गया, कम हो गया 2 टाइम्स, राइट। डबल क्या तो ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल क्या तो फिर ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल क्या तो फिर ये हाफ हो गया। ध्यान से देखो, तो डैट मीन्स क्या हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट, बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोलोगे ऑर्डर 2। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो हाफ लाइफ टाइम कम हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ऑर्डर 2। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेशर 500 है तो हाफ लाइफ टाइम 240 सेकेंड है, जब प्रेशर को हाफ किया 250 तो हाफ लाइफ टाइम 4 मिनट, भाई 4 मिनट क्या हो गया भाई 240 सेकेंड। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि आप प्रेशर को चेंज करो तो हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स इंडिपेंडेंट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। कैसे? क्योंकि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या है। वैसे ही एक और क्वेश्चन, प्रेशर जब इतना था तो हाफ लाइफ टाइम 340 सेकेंड, और जब प्रेशर हाफ कर दिया, ध्यान से देखो 55 का हाफ 27, तो कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम, वो भी हाफ हो गया है, 340 का हाफ, तो डायरेक्टली पर्सनल हो गया, हाफ करने से हाफ हो रहा है, तो डायरेक्टली कब होता है, जब ऑर्डर होता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो वेरी सिंपल है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली पोर्शनल, हाफ करने से हाफ, डबल करने से डबल, फर्स्ट ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर में उल्टा चलेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा और घटाओगे तो बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि ए गिव्स यू बी, रेट कॉन्स्टेंट आपको गिवेन है, सम नंबर इनटू और ये यूनिट। तो ये नंबर देख के नहीं डरना, ये वैसे भी कुछ भी दे सकता है, मेनली यूनिट पे ध्यान देना। क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इसको आप कैसे लिखोगे, लीटर बाय मोल, राइट, और सेकेंड इनवर्स, लीटर बाय मोल को आप क्या लिख सकते हो, मोल बाय लीटर, तो 1 / mol / L लिख लो, और सेकेंड इनवर्स तो ये क्या हो गया 1 / m, तो इसको लिख सकते हैं m^-1 सेकेंड की पावर इनवर्स, राइट। वी नो कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था वो मोलारिटी की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, तो आप कंपेयर करो, सेकेंड इनवर्स तो कॉमन है, डेट मीन्स 1 - n शुड बी इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ जो रहेगा -1, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका 2, तो इसलिए ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की। तो इस तरह से रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट अगर गिवन हो तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेट। क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको डिफरेंट रिएक्शन का ग्राफ दिया है, लॉग रेट वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन। तो वी नो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन की पावर एक्स होता है, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लॉग के और प्लस ये एक्स बार आ जाएगा आपका, डेट इज पावर, और ये लॉग
ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, लॉग कंसंट्रेशन को उसने किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, लॉग रेट को किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे। तो क्या हो गया ये, वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस ये आपका स्लोप हो गया एम एक्स, राइट। डेट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ये नंबर ज़्यादा होगा, डेट मीन्स ऑर्डर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, यू नो एक्स एक्सिस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेन थीटा होता है। तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट स्लोप से आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है, तो वी नो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता है, राइट। अगर जीरो ऑर्डर होता है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग सी नॉट। ध्यान से देखो, डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ऑर्डर विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि लॉग टी हाफ वाई एक्सिस पे लिया है और वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली सम एम एक्स हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो सकता है, जो ये आपका c हो गया और ये आपका स्लोप हो गया। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि एक रिएक्शन गिवेन है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवेन था कि कंसंट्रेशन b का जब सिर्फ डबल करते हैं तो t हाफ चेंज नहीं होता है, और a का डबल करते हैं तो रेट डबल होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने b का कंसंट्रेशन डबल किया, t हाफ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन कि ए का डबल कर रहे हैं तो रेट डबल, तो ए का जब मैंने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 1। क्यों, क्योंकि डबल करने से डबल मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, समझा रखा आपको। तो ये ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, 2। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट का क्या था, मोलरिटी 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोलारिटी इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, या इसी को लिख सकते हैं लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो ये सब यूनिट हो जाएगी आपका रेट कांस्टेंट का। तो ये पूछा गया क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, तो वही रेट कांस्टेंट के यूनिट 1 माइनस एन सेकेंड इन्वर्स। एक बार आप फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो एन 1 पुट कर दो, और एक बार एन 0 पुट कर दो। तो एन 1 पुट करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सेकेंड इन्वर्स, डेट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और एन 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोलारिटी सेकेंड इन्वर्स फॉर जीरो ऑर्डर। सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि ए प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट, रेट के ए और बी है, बी का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 कर रहे हैं कीपिंग ए कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, बी का 0.1 से 0.3 किया। तो ध्यान दो, रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बता रखा हूँ रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। चेंज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, या सिर्फ रेट, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो पहले अगर के था तो अभी भी क्या होगा, के ही होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 3 times हुआ तो 3k कर देते हैं, गलत, और ये तो वैसे पसंद नहीं है, या k/3 कर देते हैं, ये सब गलत। रेट कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, ये सब चेंज करने से रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर से आने वाले प्रॉब्लम को आप कैसे विदाउट सॉल्विंग करेंगे, उसके बारे में मैं देने जा रहा हूँ ट्रिक। तो ध्यान से समझे, पॉइंट नंबर 1 कि अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट मैं कैसे लिखूँगा, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो सम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है, इसलिए दोनों की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेम। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डिफरेंशियल फॉर्म में, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय
चेंज इन टाइम dA बाई डी टी, राइट। तो ये पहला पॉइंट सभी को मालूम होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ माइनस dA बाई डी टी इज इक्वल टू k लेकर के, तो कंसंट्रेशन एट टाइम t, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू जीरो c नॉट माइनस kt। तो ये एक फॉर्मूला आएगा सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। यहाँ पे पॉइंट जो ध्यान देना है, ये जो कंसंट्रेशन t है वो लेफ्ट बचा हुआ, कितना बचा, कितना रिएक्ट हो गया वो नहीं पुट करना है, कितना फाइनली लेफ्ट है वो पुट करना है, इज इक्वल टू सी नॉट, इनिशियली कितना लिए थे कंसंट्रेशन, माइनस के, रेट कांस्टेंट है आपका, टी टाइम है। तो ये इक्वेशन भी सबको मालूम होता है, ये भी इजी है। यहीं से हम ये ड्राइव कर सकते हैं पॉइंट नंबर टू कि टी हाफ क्या होगा। तो टी हाफ का मतलब कि वो टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाए, तो यहाँ पे आप सी टी की जगह सी नॉट बाई टू पुट कर दो तो टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ होता है सी नॉट बाई टू के, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ कि टी हाफ ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन। यहाँ पे एन के ऑर्डर क्या है, जीरो, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट आप देख सकते हो। और निकालना होगा तो सी नॉट बाई टू के, टू एक नंबर हो गया, के अगेन रेट कॉन्स्टेंट हो गया उसकी वैल्यू। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। कैसे, क्योंकि टी कंप्लीशन क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई के। कैसे निकालेंगे, कंप्लीट होने का मतलब सी टी हो गया अब जीरो, तो यहाँ से आप पुट कर लो, तो राइट टी क्या आ जाएगा, सी नॉट बाई के, जो कि टू टाइम्स ऑफ टी हाफ है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ जाए तो टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज इक्वल टू mx, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। रेट जो है वो कंसंट्रेशन a के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि फिक्स है, इसलिए ये एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। और कंसंट्रेशन t एज ए टाइम आप देख सकते हो, आपने इसको y एक्सिस पे लिया, ये आपका सम कांस्टेंट, ये माइनस mx, तो ये एक डिक्रीजिंग स्लोप में होना चाहिए क्योंकि स्लोप आपका निगेटिव है, तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो इसलिए सी टी वर्सेज टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप इसका निगेटिव होना चाहिए। यहाँ तक आपको सब बताएगा नेक्स्ट, दैट इज रफी सर ट्रिक, कि अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे जीरो ऑर्डर वाले वो इस ट्रिक से करेंगे। और उसको मैंने कहाँ से, तो यहीं से क्रिएट किया है। ध्यान से देखो कि अगर आप बोल रहे हो कि C0 से C0 बाई टू होने में टी हाफ लगेगा, और चूंकि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C0 बाई टू का फिर से हाफ होने में, डैट मीन सी नॉट बाई फोर होने में इस टी हाफ का हाफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा टी हाफ बाई टू। फिर इसका हाफ होने में C0 by 4 से C0 by 8, इसका हाफ होने में फिर से जो टाइम लगा उसका हाफ, तो T हाफ by 2 का हाफ मतलब T हाफ by 4, राइट। अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो कैसे, ध्यान से देखो, अगर C0 80 था एग्जांपल से और T हाफ 20 सेकंड था, तो डैट मीन्स 80 से 40 होने में कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड, ये सभी को मालूम। फिर 40 से हाफ, 40 का हाफ कितना हो गया 20, तो ये टी हाफ का हाफ मतलब कितना हो गया 10 सेकंड लगेगा। फिर 20 का हाफ मतलब कितना हो गया 10, ऐसे बच्चों वाली चीज़ करनी है अपने को, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर पूछा जाए हमें कि 80 से 10 होने में कितना टाइम लगेगा, तो जोड़ दो 20 प्लस 10 प्लस 5, विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो कि 35 सेकंड लगने वाला है। तो ये ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हर बार कंसंट्रेशन को हाफ होने में टी हाफ उसका हाफ हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज कि ए गिव्स यू बी और दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ये आपको गिवन है, हाफ लाइफ टाइम इज 50 मिनट एंड टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस वन फोर्थ होने में कितना टाइम लगेगा। तो वेरी सिंपल, कैसे करेंगे मेरे ट्रिक से, ध्यान से देखें कि अगर कंसंट्रेशन वन होगा तो हाफ करने में कितना टाइम लगेगा 50, और फिर इसका हाफ करने में डेट इज 1/4 कितना लगेगा, इसका हाफ डेट इज 25। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लग गया 50 प्लस 25 डेट इज 75, विदाउट सॉल्विंग रफी सर के ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर टू में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जब इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान देना इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 था तो टी हाफ 6 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 किया गया है तो कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.2 आने में। क्वेश्चन इज कि 0.5 से
0.2 आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले यहाँ पे समझो कि जब 0.2 था इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम था आपका 6 आवर। अगर 0.5 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, क्या मेरे ट्रिक से निकाल सकते हो? यस, 0.5 को आप क्या लिखोगे, 0.2 का डबल प्लस 0.2 का हाफ। तो यहाँ पे डबल किया तो 6 का डबल 12 और यहाँ पे हाफ क्या तो 6 का हाफ 3, तो डेट मीन्स 12 + 3 डेट मीन्स 15 आवर क्या है, टी हाफ है। कब? जब कंसंट्रेशन 0.5 है। तो आप ही सोचो 0.5 से 0.2 कब जाएगा, पहले 0.5 से 0.25 होगा, फिर 0.25 के बाद आएगा 0.2। तो यहाँ से यहाँ तक में तो 15 आवर लगेगा ही, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। क्यों? क्योंकि 15 से ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि वी नो टी हाफ क्या होता है, सी नॉट बाई 2k, राइट। तो जब आपका सी नॉट था 0.2 मोलर, 2k नहीं मालूम है, टी हाफ था 6 आवर, तो यहाँ से k निकाल लो आप, तो k कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0.2/2 × 6 दैट इज 1/60। अब टी हाफ हम निकाल सकते हैं जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 होगा बाय 2k, क्योंकि k तो चेंज होगा नहीं, राइट। वो सिर्फ कब चेंज हो सकता है, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 0.5/2 और k की वैल्यू पुट कर दो 1/60, तो 160 अब चला जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको आ गया टी हाफ 15 आवर। तो आप खुद ही सोचो कि टी हाफ 15 आवर है कब, जब कंसंट्रेशन 0.5 है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 0.5 से 0.2 में, 0.5 से पहले कितना आएगा 0.25, तो कितना लगेगा 15 घंटा, और फिर इससे थोड़ा और आगे जाना है तब 0.2 आएगा, तो प्लस एक्स, तो 15 + x, ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन 15 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के गिवन था रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड भी गिवन था 0.5 m, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आपको बता रखा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन एट एनी टाइम CT इज इक्वल टू C0 - KT। आपको CT गिवन है कितना 0.5, C0 निकालना है माइनस, K गिवन है 2 × 10⁻², और टाइम कितना लगा है तो 25। ध्यान दें यहाँ भी सेकंड था, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है। तो यहाँ से C0 कितना आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो, तो यहाँ से C0 आ जाएगा आपको 1 मोलर, क्योंकि ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो C0 विल बी 1 मोलर, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, कि एक रिएक्शन है ए गिव्स यू प्रोडक्ट, उसका टी हाफ 1 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, टाइम कितना लगेगा 0.5 से 0.25 मोलर होने में, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। तो कैसे करेंगे, वही रफी सर का सिंपल ट्रिक, कि अगर 2 मोलर था कंसंट्रेशन तो 2 से 1 मोलर होने में कितना टाइम लग जाएगा, टी हाफ डेट इज 1 आवर लगेगा, राइट। फिर 1 मोलर से इसका हाफ डेट इज 0.5 मोलर होने में, इस टाइम का हाफ डेट इज 0.5 आवर लगेगा, राइट। और फिर 0.5 से इसका हाफ 0.25 मोलर होने में, फिर इसका हाफ लगेगा डेट इज 0.25 आवर। तो आपसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा, ध्यान से देखो 0.25, ऑप्शन सी विदाउट सॉल्विंग, इसके लिए रफी सर जाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कसकाय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स देने जा रहा हूँ वो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम को विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फार्मूला कर सकते हैं। तो वो कैसे, ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो तो R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, डेट इज रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ए की पावर 1, क्यों, क्योंकि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखूं तो कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे C0 है और कंसंट्रेशन टाइम t पे CT है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको आएगा t इज इक्वल टू 1 k ln C0 CT। ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि इट इज ए रेशियो, तो रेशियो होने की वजह से फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को हम मोल में सॉल्व कर सकते हैं
मास में सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर में सॉल्व कर सकते हैं एंड वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रेशियो होने की वजह से हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को इन चारों में से किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, हमें कैसे पता लगेगा कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होगी वो टाइम इनवर्स होगी, लाइक सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। राइट, नाउ पॉइंट नंबर टू कि एट टी इक्वल टू टी हाफ कंसंट्रेशन सी टी जो है वो सी नॉट बाई टू, यहाँ पे ध्यान देंगे जो सी टी है मेरा वो कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी है, कितना बचा हुआ है वो पुट करना है, कितना रिएक्ट हो गया वो नहीं पुट करना है, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ कंसंट्रेशन सी टी कितना बच जाएगा, सी नॉट बाई टू, तो इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हाफ लाइफ टाइम एल एन टू बाई के आता है, और एल एन टू की वैल्यू 0.693 बाय के, 0.693 को अप्रॉक्सीमेटली 0.7 बाय के। तो यहाँ पे अगेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो यहाँ से भी आपको पता लगेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डैट मीन्स डेफिनेटली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और के बारे में आपको मालूम है कि के कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए मोल चेंज करने से, मास चेंज करने से, प्रेशर या वॉल्यूम ये सब चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसलिए हाफ लाइफ टाइम एक तरीके से एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स हो गया है, आइदर आप मोल चेंज कर लो, मास चेंज कर लो, प्रेशर या वॉल्यूम, हाफ लाइफ टाइम उस रिएक्शन का चेंज नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि एल एन टू एक फिक्स वैल्यू और के तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। पॉइंट नंबर थ्री, जो पॉइंट नंबर टू से ही बनाया कि इसका मतलब हर बार एवरी टाइम कंसंट्रेशन को या मोल या मास को या प्रेशर को या वॉल्यूम को अगर मैं हाफ करूं तो सेम टाइम लगने वाला है। राइट, क्यों, क्योंकि मैं के को तो चेंज ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, तो हर बार कंसंट्रेशन को मैं हाफ करूं या मोल को हाफ करूं या मास को या प्रेशर को या वॉल्यूम को आधा करने में मुझे सेम टाइम लगेगा, डैट इज हाफ लाइफ टाइम। तो उसी से हमने बनाया है मैन ट्रिक, और जिससे आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला एंड विदाउट सॉल्विंग। और ध्यान से समझे कि मैंने इधर लिखा है लेफ्ट और इधर लिखा है परसेंटेज कंप्लीट। तो सपोज करो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन C था, तो C से C बाई टू हाफ होने में T हाफ लगेगा, फिर C बाई टू से C बाई फोर फिर हाफ लाइफ टाइम लगेगा, फिर C बाई फोर से C बाई एट फिर हाफ लाइफ टाइम लगेगा एंड सो ऑन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कितना लेफ्ट है परसेंटेज में या कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, तो उस टाइप का भी दे तो बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, लेफ्ट में अगर मैं 100 मार रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट में 0 होगा, परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए 100 लेकर के चल रहा हूँ मैं। फिर 100 से 50 होने में एक हाफ लाइफ टाइम, फिर 50 से 25 होने में एक और हाफ लाइफ टाइम, डैट मीन्स अब ध्यान से देखो तो हर बार मैं वैल्यू को आधा करते जा रहा हूँ, 100 का हाफ 50, फिर 25, फिर 12.5, 6.25 एंड सो ऑन, हर बार मैं हाफ करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। और तो ये हो गया लेफ्ट, कितना परसेंटेज लेफ्ट है, और परसेंटेज कंप्लीट क्या हो जाएगा, दोनों का सम 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट 100 है तो 0% कंप्लीट, और यहाँ पे अगर 0.1 लेफ्ट है परसेंटेज में तो 99.9% कंप्लीट हो चुका है। तो हर बार आप ध्यान से देखो, मैंने लिख ही दिया है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, कैसे, क्योंकि ये 3 टी हाफ के बराबर हो गया। राइट, या फिर उसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि 12.5% लेफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम वैसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि 99.9% कंप्लीट होने में या 0.1% बचे रहने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो कैसे, तो वेरी सिंपल है, हर बार आधा होने में सेम टाइम लगता है, तो आप देख सकते हो 10 हाफ लाइफ टाइम वहां तक पहुंच जाएगा। कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया सर कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे 90%, तो देखो 90 इज इन बिटवीन 87 टू 93, तो हमें जो टाइम लगेगा वो 3 हाफ लाइफ टाइम और 4 हाफ लाइफ टाइम के बीच का, आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे उससे इजीली कर लोगे। वैसे ही अगर हमसे पूछ लिया कि 97% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वेरी सिंपल, 97 इज इन बिटवीन 96 एंड 98, तो डैट मीन्स
5 और 6 हाफ लाइफ टाइम के बीच वाला जो ऑप्शन होगा वो हमें टिक करना होगा। नाउ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि देखो हर बार हाफ लाइफ टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम लग रहा है, लेकिन गैप जो आपका वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ध्यान से देखो 100 से 50, यहाँ 50 का गैप है, फिर यहाँ 25 का, यहाँ 12.5 का, एंड सो ऑन। तो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा लेकिन टाइम सेम लगेगा, तो इससे भी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को आंसर तक पहुँचा सकते हैं। ये तो हो गया मेन ट्रिक, अब हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इनिशियल प्रेशर 800 mmHg है, 10 मिनट के बाद प्रेशर अगर 1600 mmHg हो रहा है तो 30 मिनट के बाद आपको प्रेशर बताना है। इस टाइप के कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम मेंस में 4 बार पूछे गए और रिसेंटली ये 2023 में 13 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट फार्मूला एंड विदाउट कैलकुलेशन। पहले इस पॉइंट को समझो कि 10 और 30 मिनट क्यों रिलेट किया है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये हाफ लाइफ हो, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो जब ए आपका रिएक्ट हो रहा है तो 2B प्लस सी दे रहा है, राइट। ए का इनिशियल प्रेशर कितना है 800 mmHg, ये इसी का क्यों होगा क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ ए है, राइट। बी और सी तो बन रहे हैं तो ये 0-0 होंगे। अगर टाइम 10 मिनट के बाद अगर मैं मान लूं कि इसका एक्स रिएक्ट हुआ तो इसका 2x बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशेंट 2 है और इसका कोफिशेंट 1 है तो इसका एक्स बनेगा। तो आपको गिवन है कि 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर 16, तो इस सबको ऐड कर दो तो इसका सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 800 प्लस 2x डेट शुड बी इक्वल टू 1600, तो यहाँ से x आ गया 400। x 400 आने का मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट के बाद इसका कितना प्रेशर है 400। अब ध्यान से देखो एक रिलेशन मिल रहा है 800 का हाफ है 400, तो ये इसका मतलब 10 मिनट क्या हो गया मेरा टी हाफ, तो टी हाफ है। तो अब हमसे पूछा गया कि 30 मिनट इज 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, राइट। तो यू नो कि 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ कैसे लिखेंगे, 800 से 400 हुआ, 400 से 200 हुआ, 200 से 100 होगा, राइट। तो ये 3 टाइम्स टी हाफ हो गया, तो इसका बचा कितना 100, तो रिएक्ट कितना हो गया होगा 700, क्यों, क्योंकि 800 लिया था, 100 सिर्फ बचा है, तो इसका मतलब 700 रिएक्ट हो गया, तो इसका कितना बन जाएगा 700 इंटू 2, क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 2 है, तो इसका 1400 बन जाएगा। इसका कितना बनेगा 700 इंटू 1, तो इसका 700 आपका बन जाएगा, इसका 1400। इसलिए टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो जाएगा, तो देख लो 1400 प्लस 700 प्लस 100 इसका बचा हुआ लेफ्ट, तो 100, तो आंसर विल बी 2200। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछे गए, देखो विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर 800, 10 मिनट के बाद 1600 प्रेशर हो रहा है, तो 30 मिनट के बाद कितना होगा। तो अगर 10 मिनट के बाद 1600 हो रहा है तो क्या 10 मिनट हाफ लाइफ टाइम है, तो सपोज करते हैं कि वो हाफ लाइफ टाइम है, तो अगर हाफ होगा तो इसका कितना हो जाएगा 400, चूँकि इसके एक मोल से दो मोल मिल रहा है तो इसका कितना हो जाएगा 800 और इसका कितना हो जाएगा 400, तो क्या टोटल प्रेशर 1600 हो रहा है, यस। इसका मतलब ये टी हाफ कितना है हमारे पास 10 मिनट, तो हमसे क्या पूछा गया है 30 मिनट के बाद, 30 मिनट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ का मतलब क्या हो गया, फिर 400 से कितना हो जाएगा 200, 200 से कितना हो जाएगा 100, दैट मीन्स इसका कितना बचा 100, तो रिएक्ट कितना हो गया 700, तो इसका कितना बनेगा 1400, क्यों, क्योंकि कोफिशियंट 2, और इसका कितना बनेगा 700, क्यों, क्योंकि कोफिशियंट 1, तो टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो गया, ध्यान से देखो 2200, योर आंसर विल बी हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों का हाफ लाइफ टाइम गिवन है 15 and 5, और एक का कंसंट्रेशन सी है, बी का अगर 4C है तो कितने टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से ध्यान से देखो, ए का सी से सी बाई टू होने में कितना लग जाएगा 15 मिनट, जबकि बी का 4C से 2C होने में 5 मिनट, फिर 2C से सी होने में 5 मिनट, फिर सी से सी बाई टू होने में 5 मिनट, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15, तो 15 मिनट में ये सी बाई टू हो रहा है और ये भी 15 मिनट में सी बाई टू हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15, 15 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मोल्स और बी का मोल सेम है, ए का हाफ लाइफ टाइम अगर 100 है, बी का 50 है,
तो आपको पूछा गया कि कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन ए का या मोल्स ए का 4 टाइम्स ऑफ बी होगा। तो अगेन वेरी सिंपल, कैसे करेंगे ट्रिक से ध्यान से देखो। ए का अगर 100 है तो x से x by 2 होने में कितना लगा 100, और x by 2 से x by 4 होने में 100, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा इसको 200। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x से x by 2 होने में 50, फिर x by 2 से x by 4 होने में फिर से 50, तो टोटल 100, फिर x by 4 से x by 8 होने में 50, फिर x by 8 से x by 16 होने में 50, तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया 200। तो 200 सेकंड में ये x by 16 है और 200 सेकंड में ये x by 4 है, जो कि इसका क्या है 4 टाइम्स है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स ऑफ बी कब होगा। तो देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा 200 सेकंड। विदाउट सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चन को मेंस में आए हुए हम कर सकते हैं, वो भी रफी सर के सिंपल ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि रेट कांस्टेंट गिवन था 20 मिनट इनवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 132 लेवल, उस लेवल होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखें, वेरी सिंपल है कि अगर रेट कांस्टेंट आपको गिवन है और 132 का मतलब क्या हो गया सी सी बाई 2 सी बाई 4 सी बाई 8 सी बाई 16 एंड सी बाई 32। तो यहाँ से यहाँ तक होने में ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो जो टाइम होगा वो 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। और टी हाफ निकाल सकते हैं, यस टी हाफ क्या होता है ln 2 बाई के, कि आपको गिवन था कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ln 2 0.693 बाई 20। हमें जो निकालना है वो 10 की पावर माइनस 2 में, तो इसका अगर डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो राइट। तो इसको कैंसिल करोगे तो 5 फोर द और 4 से ये 17 टाइम्स में, तो 17 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो योर आंसर विल बी 17। ये इंटीजर टाइप में पूछा गया, ध्यान से देखो विदाउट फार्मूला विदाउट कैलकुलेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 माइक्रोग्राम था, हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, तो कितना रिमेनिंग होगा आफ्टर 100 ईयर। तो हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, राइट। तो पहले 1 था तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 1 बाई 4 और 1 बाई 4 से 1 बाई 8, दैट मीन्स ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया, ये 0.125 हो गया। तो यहाँ पहले 30 ईयर लगा होगा, फिर 30 ईयर और, फिर 30 ईयर और फिर इसके आगे हमें थोड़ा जाना है। क्यों? क्योंकि टोटल तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ 90 ईयर्स, हमें 100 ईयर्स के बाद पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा रिमेनिंग पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा वो 0.12 से कम, ऑप्शन चेक करो 0.5 नॉट पॉसिबल, 0.2 नॉट पॉसिबल, 1.2 से कम तो 1.5 नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो अब ध्यान से देखो, विदाउट सॉल्विंग और विदाउट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को, और ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ टाइम 3 डेज है, 12 दिन के बाद 12 डेज के बाद 3 ग्राम रिसीव हो रहा है, तो इनिशियल मास कितना होगा। तो ध्यान से देखो इसमें क्या रिलेशन है, 3 डेज और 12 डेज में 4 टाइम्स है, राइट। तो अगर 3 ग्राम था तो 3 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम से पहले 24 ग्राम, डबल करते जाना 24 से पहले 48 ग्राम, राइट। क्यों मैंने चार बार क्यों किया, क्योंकि 4 हाफ लाइफ टाइम का डिफरेंस था 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब इनिशियल मास कितना रहा होगा 48 ग्राम, ऑप्शन सी विदाउट सॉल्विंग एंड विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 में ए गिव्स यू प्रोडक्ट पी और कंसंट्रेशन ए का 0.1 से 0.025 होने में 40 मिनट लग रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना जब कंसंट्रेशन ए का 0.01 मोलर हो, और ये गिवन था कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेशन। अगर 0.1 था तो 0.1 से 0.05 आधा होने में t हाफ लगेगा, राइट। फिर 0.05 से इसका हाफ 0.025 होने में फिर से t हाफ लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम गिवन है 40 मिनट, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ t हाफ किसके बराबर हो गया 40, इसलिए t हाफ कितना हो जाएगा 20 मिनट, राइट। वी नो t हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाई k, इसलिए यहाँ से k कितना हो जाएगा ln 2 by t half, that is 0.693 by t half is 20। Now हमें रेट निकालना है जब कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.01 मोलर, पुट कर दो यहाँ के आप निकाल चुके हो,
0.693/20 इंटू 0.01। हमें जो आंसर लेना है वो 10^-, में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड भी, तो ये हो जाएगा 6.93, क्योंकि सब साइंटिफिक नोटेशन में ऑप्शन गिवन थे, तो 6.93 हो गया राइट। तो इसका 10, और ध्यान से देखो तो ये 2 और ये सब कितना हो जाएंगे 10^-4। कैसे, इसको लिखा 10^-2, एक जीरो ये तो ऐड हो गया, और एक 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइड भी करेंगे तो 10^-4, तो ये 3 point something होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को रफ़ी सर के ट्रिक से। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसके लिए मैं आपको 5 point दे रहा हूँ जिससे आप पता कर सकते हो। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर टाइम इनवर्स में है तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रेडियो एक्टिव डीके कहीं पे भी लिखा हुआ है तो सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ कि हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है। कहीं पर अगर ऐसे गिवन है कि ए गिव्स यू प्रोडक्ट पी और कंसंट्रेशन एक अगर डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिफ्थ पॉइंट जो क्वेश्चन में मेंशन ही कर दे कि इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 5 point से आप पहचान सकते हो कि वो गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रफ़ी सर के ये वाले ट्रिक से आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती राइट, वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकती, जबकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है और उसको 2 times of T½ लगता है। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप फर्स्ट ऑर्डर पे आने वाले परसेंटेज कंप्लीशन या कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत इजीली और विदाउट कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ट्रिक में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से मैंने लिस्ट आउट किया है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ए की पावर 0। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट वही हो जाएगी जो रेट की यूनिट होगी, डैट इज मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। तो एक ये पॉइंट हो गया, जबकि इसमें रेट रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ए की पावर 1 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है राइट, तो और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगेन माइनस dA/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स होगा, तो यहाँ से हम ऑर्डर पहचान सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में दोनों में देख सकते हो डिफरेंस है, वहाँ कंसंट्रेशन है ही नहीं, सीधे रेट कांस्टेंट है, यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 माइनस kT, डेट इज CT इज इक्वल टू C0 माइनस kT। और यहाँ पे जो ध्यान देना है, CT जो है वो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना बचा है वो पुट करना है, कितना रिएक्ट हुआ है वो नहीं पुट करना है। वही चीज़ अगर फर्स्ट ऑर्डर में बात करें तो ध्यान से देखो क्या चेंजेज हुआ है, CT के आगे LN लग गया है नेचुरल लॉग, C0 के आगे भी आपका LN लग गया नेचुरल लॉग, और kT वैसा ही का वैसा है। तो सिर्फ आपको अगर जीरो ऑर्डर का मालूम है CT इज इक्वल टू C0 माइनस kT, तो फर्स्ट ऑर्डर का भी मालूम है सिर्फ CT और दोनों कंसंट्रेशन वाले टर्म में नेचुरल लॉग लगा देना है। LN यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग विथ बेस E है। तो ये एक डिफरेंस है, ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 की हाफ लाइफ टाइम इसका क्या हो जाएगा, C0/2K राइट, जो कि देख सकते हो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको मैं y एज्यूम कर रहा हूँ, C0/2K को y एज्यूम कर रहा हूँ, और इस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 times of T½ लगता है। वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, हाफ लाइफ टाइम LN2/K, LN2 की वैल्यू फिक्स 0.693/K, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और इस वैल्यू को मैं मान रहा हूँ जेड। इसका यूज क्या हो फोर्थ पॉइंट में, कि यहाँ पे C0 से C0/2 कंसंट्रेशन हाफ होने में अगर
टाइम वाई लगता है, डेट इज हाफ लाइफ टाइम, तो फिर सी नॉट बाई टू का हाफ होने में, डेट इज सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर होने में जो प्रीवियस हाफ लाइफ टाइम था उसका हाफ लगेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हर बार कंसंट्रेशन के हाफ होने में हाफ लाइफ टाइम भी हाफ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी नॉट बाई फोर से सी नॉट बाई एट होने में, तो अगेन ये हाफ हुआ, तो हाफ लाइफ टाइम पहले कितना था वाई बाई टू, तो उसका हाफ तो वाई बाई फोर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बार कंसंट्रेशन अगर हाफ करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी हाफ हो जाएगा प्रीवियस का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ पे हर बार अगर आपने कंसंट्रेशन हाफ किया तो हाफ लाइफ टाइम फिक्स ही है, हर बार सेम टाइम लगेगा, ध्यान से देखो जेड। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में डिफरेंस का। ग्राफ में भी डिफरेंस है, ध्यान से देखो। अगर मैं हाफ लाइफ टाइम वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा हैविंग स्लोप 1/2 के, कहाँ से, यहाँ से टी हाफ, और इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 के। जबकि यहाँ पे टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन एक कॉन्स्टेंट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वैसे ही रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ए का एक कॉन्स्टेंट लाइन आएगा, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ए एक स्ट्रेट लाइन आएगी हैविंग स्लोप कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा। कैसे? आर इज इक्वल टू के इंटू ए, तो ये स्लोप हो जाएगा आपका। सिमिलरली कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेज टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे कहाँ से, तो यहाँ से देखो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी से, तो ये आपने y एक्सिस पे लिया और टाइम को x एक्सिस पे, तो ये y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट ये c नॉट हो जाएगा। वहीं पे ln ct वर्सेज t ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ रहेगा, स्लोप की वैल्यू भी k ही रहेगी। बट ध्यान क्या देना दोनों में डिफरेंस क्या, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन सिर्फ ले रहे हैं, यहाँ पे y एक्सिस पे नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम अगर स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप तो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है विथ नेगेटिव स्लोप तो ये जीरो ऑर्डर है। तो अब ध्यान से देखें ये सब डिफरेंस है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, जो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं। तो ध्यान से देखो कि वी नो ln ct इज इक्वल टू ln c0 - kt, फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है, राइट। तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k ln of c0 / ct, जहाँ पे c0 आपको मालूम है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ct कंसंट्रेशन लेफ्ट, अगेन आई एम टेलिंग कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, जो बचा हुआ है वो पुट करना है, कितना रिएक्ट हुआ है वो नहीं पुट करना है, तो ये ध्यान रखना है। अगेन वी नो टी हाफ इज इक्वल टू ln 2/k, तो अगेन इसको रीअरेंज कर रहा हूँ तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln 2/t हाफ, इसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अब इसको मैं उस वाले प्रॉब्लम में लगाऊंगा जहाँ पे हमसे पूछा जाए कि परसेंटेज x कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान दे, परसेंटेज x कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ऐसे प्रॉब्लम, या इतना फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में लाइक 2/3, 1/3, 3/4 फ्रैक्शन, ध्यान दे फ्रैक्शन 1 से लेस वैल्यू होगी वो, तो फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल मेरे इस ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? अगर x परसेंट कंप्लीट हुआ है तो लेफ्ट कितना होगा 100 - x, क्योंकि हम परसेंटेज में बात करें, डेट मीन्स मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया 100, सी नॉट 100 हो गया आपका। तो टी एक्स परसेंट कंप्लीशन, ध्यान दे एक्स परसेंट कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा 1/k ln of c0 की जगह 100, ct 100 - x लेफ्ट पुट करना है। अब इसको मैं अगर k को रिप्लेस कर दूं ln 2/t हाफ से, तो हमारा x परसेंटेज कंप्लीशन जो है वो हाफ लाइफ टाइम के टर्म में आ चुका है, t हाफ ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय ln 2 इंटू ln of 100/100 - x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है आपके लिए, आपको कभी भी x परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम्स ऑफ t हाफ लगेगा आप इससे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि 10% कंप्लीट होने का निकालना है, x कुड भी 1 से लेकर का 100 में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 10%, तो x की जगह यहाँ 10 पुट करो, t 10%, यहाँ पे x की जगह 10 पुट करो, सॉल्व कर लो, आपका इतना टाइम्स ऑफ t हाफ हो जाएगा। सिमिलरली फ्रैक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टी एफ मतलब फ्रैक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अगेन हाफ लाइफ टाइम के टर्म में टी हाफ बाई ln 2, राइट, ln of 1/1 - f, डैट मीन्स जैसे मुझे t 3/4 निकालना सपोज करो,
3/4 फ्रैक्शन कंप्लीट होने कितना टाइम लगेगा, ध्यान दे कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, ये सब कंप्लीशन टाइम है राइट। तो टी 3/4 की जगह क्या लिख दोगे, टी हाफ बाई ln टू ln ऑफ 1/1 माइनस एफ की जगह, यहाँ पे एफ की जगह आपने 3/4 पुट किया, यहाँ भी 3/4 पुट कर दो। तो अब ध्यान से देखो ये क्या आ जाएगा, 4 - 3 1/4 ऊपर चला गया, तो उसको लिख सकते हैं ln 4, ln 4 को ln 2 की पावर 2, 2 बार आ जाएगा, ln 2 कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, जो आप ऑलरेडी जानते हो कि 3/4 डेट मीन्स यही क्या हो गया 75% भी हो गया, 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगता है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इस फॉर्मूले से आप फ्रैक्शन कंप्लीट वाले किसी प्रॉब्लम को इजीली कर लोगे एंड परसेंटेज एक्स कंप्लीट वाले को इजीली कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको गिवन था फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है 60% कंप्लीट होने में 540 सेकंड लगता है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल। तो टी 60% अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, 1/k ln ऑफ 100/100 माइनस एक्स, मतलब 100 - 60 राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/k ln ऑफ 100/40 दैट मीन्स 10/4। अब आपको टी 90% निकालना है, टी 90% अगेन कितना होगा, 1/k ln ऑफ 100/100 - 90 राइट। दिस इज इक्वल टू 1/k ln ऑफ 100 और 100 में से 90 जाएगा तो 10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए टी 90% क्या हो गया आपका, 1/k ln 10, और k यहाँ से पुट कर सकते हो आप राइट, क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू हो जाएगा ln 10/4, तो 1/ ln 10/4 डिवाइडेड बाई 540 जो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 540 इंटू ln 10। नेचुरल लॉग दोनों साइड है, तो लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 540 log 10 हो गया 1 डिवाइडेड बाय log 10 माइनस log 4, तो log 10 1 log 4 होता है 0.6, तो ये कितना हो गया 540/0.4 दैट इज 1350 आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत इजी है उस फॉर्मूले से, उस ट्रिक से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि टी हाफ अगर 200 सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, वी नो कि टी हाफ अगर 200 सेकंड है तो 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा, दैट इज 2 × 200 दैट इज 400 सेकंड, और ये जो हमारा है ये 75 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमारा आंसर 400 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लोज टू 600 है जो कि 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के आसपास में है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी विदाउट कैलकुलेशन। और अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वी नो कि टी 80% इज इक्वल टू टी हाफ दैट इज 200 बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 100/100 - x, 80 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 200 बाई ln 2 ln ऑफ 100/20, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ln 5, तो ये कितना हो जाएगा 200, log 5 होता है 0.7, log 2 होता है 0.3, तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो आप देख सकते हो ये 1400/3 हो गया, डैट इज इक्वल टू 3 × 4 = 12 राइट, 23 × 6 = 7, तो 467 सेकंड। तो दोनों तरीके आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको गिवन थी 5.5 × 10⁻¹⁴ सेकंड इनवर्स, तो इससे सिर्फ हमें क्या पता लग गया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, कभी वो बोल करके नहीं देगा। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आपको पता करना है कि वो कौन सा ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। 67% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का x × 10⁻¹ लगता है, तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, हमें कितना निकालना है, टी 67%, तो आपको क्या बताया था कि टी हाफ बाई ln 2 ln ऑफ 100/100 -
ये x परसेंट तो 67, तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, t हाफ बाई ln टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 67 कितना हो गया 33, जो कि कट करने के बाद t हाफ बाई ln टू ln 3 हो जाएगा, राइट। दोनों नेचुरल लॉग है, लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये t हाफ log 3 होता है 0.47 और log 2 होता है 0.30, तो आप इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1.56 इंटू टी हाफ, लेकिन हमें 10 की पावर माइनस 1 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो कितना हो गया ये 15.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू टी हाफ, तो हमारा आंसर नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 16। तो ध्यान से देखो कितना सिंपल है। और कुछ बच्चे तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख करके डर जाते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना यूज किया कि इससे पता लगा फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए गिव्स यू टू बी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ ए गिव 0.2 मोल ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को, ए गिव्स यू टू बी, 1 मोल ऑफ ए था आपका राइट, तो ये 0 होगा, अगर 1 मोल में से x मोल रिएक्ट हुआ तो ये 2x बनेगा, आफ्टर 100 मिनट b के मोल्स कितने हैं 0.2, डेट मीन्स 2x कितना हो गया 0.2, तो x कितना आ गया 0.1, तो यहाँ पे ध्यान से देखो a का कितना बचा होगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 माइनस x, 1 माइनस x इज 0.1, तो डेट इज 0.9 लेफ्ट है आपका, डेट मीन्स रिएक्ट कितना हो गया या कंप्लीट कितना हुआ, रिएक्ट या कंप्लीट कितना हुआ बताओ, डेट इज 10%, तो वी नो टी एक्स परसेंट डेट इज 10% इज इक्वल टू टी हाफ बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, तो टी 10% आपको मालूम है क्यों, क्योंकि 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है 100 मिनट, तो यहाँ पे पुट कर दो 100 इज इक्वल टू टी हाफ ln 2 ln ऑफ 100 और 100 माइनस x कितना 10%, तो ये हो गया 90, तो आप यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ इज इक्वल टू 100 इंटू ln 2 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 10 बाई 9। अब यहाँ पे ln 2 और ln 3 की वैल्यू गिवन है राइट, तो आप इजिली यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट 655, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 32% लेफ्ट है, ध्यान दे 32% लेफ्ट आफ्टर 570 सेकेंड, तो k की वैल्यू बताना है, रेट कांस्टेंट वैल्यू x इंटू 10 की पावर माइनस 3 में, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान दे ये लेफ्ट है तो कंप्लीट कितना हो गया है 68%, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 70 ले सकता हूँ राइट, तो t 70% इज इक्वल टू क्या था 1 बाई के ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 70 राइट, तो t 70% आपको गिवन है कितना 570 इज इक्वल टू 1 बाई के ln ऑफ 100 अपॉन 30, जो कि अप्रॉक्स में मैं 3 टाइम्स ले रहा हूँ, ध्यान दे अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 570 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ln 3 राइट, अप्रॉक्स में कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ln 3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 2.3 log 3 होता है 0.47, जिसको अप्रॉक्स में 0.48 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 570, हमें कैसे आंसर करना है 10 की पावर माइनस 3 में, तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 2.3, इसका हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 48 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये प्रॉक्स आ जाएगा 2 × 10⁻³, तो योर आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 6 में 75% कंप्लीट होने में 90 मिनट लगता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो यू नो जो टी 75% होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है राइट, तो 2 टाइम्स ऑफ और टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, इसलिए टी हाफ आपका कितना आ गया 45। अब हमें कितना निकालना है टी 60%, तो टी 60% का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x इज 60, तो इसको पुट करो तो टी हाफ इज 45 बाई ln 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ln 100 बाई 40, डेट इज ln 10 बाई 4, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको आ जाएगा 45 इंटू 0.4 बाई 0.3, डेट इज 60 मिनट।
तो वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली कर लोगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि टी हाफ 10 डेज है, 1/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो टी हाफ अगर 10 डेज 1/4 तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि टी एफ फ्रैक्शन कंप्लीट होने में टी हाफ बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 1/(1 - f)। यहाँ पे f कितना पुट करना है आपको, कितना कंप्लीट होना है, 1/4, तो हमें निकालना है टी 1/4। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ बाई ln 2 ln ऑफ 1/(1 - 1/4)। तो ये कितना हो गया, टी हाफ आपको गिवन है 10 बाई ln 2, और इधर कितना हो जाएगा 4 - 1 3/4, तो ln 4/3, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.1 के आसपास आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कि ln p बाई p नॉट वर्सेज टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप माइनस में 3.465 × 10⁴ है, तो हाफ लाइफ टाइम बताना है, x × 10⁵ है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर नेचुरल लॉग p बाई p नॉट और टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट, जो आपको बता रखा हूँ अभी ट्रिक में। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो जो स्लोप होगा वही k हो जाएगा रेट कांस्टेंट, तो डायरेक्ट आपको क्या दे दिया है, 3.465 × 10⁴। तो इसलिए t हाफ हमें निकालना था, t हाफ क्या होता है, ln 2 बाई k, ln 2 0.693 बाई k पुट कर दो, 3.46 × 10⁴ हो जाएगा। 10⁵ में बताना है तो एक 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6.93/3.46 × 10⁵, तो ये 2 × 10⁵ हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में t हाफ गिवन है 6.93 मिनट, t 99% आपको निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वी नो t 99% इज इक्वल टू t हाफ बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 100/100 - x, डेट इज 99। देखो उस फॉर्मूले से कितना ईजिली हो जा रहा है आपका, t हाफ आपको गिवन है 6.93 बाई नेचुरल लॉग 2, और ये हो जाएगा ln 100, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6.93 ln 2, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 10⁻², तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 6.93 बाई ln 2 इंटू 2 ln 10, दोनों नेचुरल लॉग है, कन्वर्ट करेंगे लॉग विथ बेस 10 में, तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, लॉग 10 1 होता है, लॉग 2 0.3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6.93 × 2/0.3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, इस पॉइंट का 10 ऊपर चला जाएगा तो 69.3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 69.3 × 2/3, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 46, सो ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरा वो ट्रिक आपको मालूम है तो। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे अगर ए गिव्स यू प्रोडक्ट और ए का कुछ कॉफिशेंट गिवन हो, जैसे यहाँ पे हमने इन जनरल एम लिया है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर 1 लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, -1/m, जो स्टोइकोमेट्री होता है वो डिवाइड हो जाता है dA/dt, इसलिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln ct इज इक्वल टू ln c0 -mkt आएगा, जबकि अगर यहीं पे कोफिशिएंट 1 था, जो जनरली हम 99% क्वेश्चन में लेते हैं, तो ln ct इज इक्वल टू ln c0 -kt आता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे 1 था तो k के आगे 1 मल्टीप्लाई था, तो वैसे ही रिएक्टेंट में आगे क्या है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको कभी कभी केयरफुल्ली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि ऐसा तो नहीं है कि रिएक्टेंट ए के पहले कुछ स्टोइकोमेट्री लगाया है, तो वो लगाने की वजह से वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना। तो यहाँ पे स्लोप सिर्फ के ना होकर के एम के रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि आगे अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो के आगे वो मल्टीप्लाई होगा। ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 2 कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ए गिव्स यू बी और हाफ लाइफ टाइम 12 मिनट है और ए गिव्स यू सी हाफ लाइफ टाइम 3 मिनट है, डेट मीन्स ए ही दो इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में अगर जा रहा है तो 50% कंप्लीट होने में ए का कितना टाइम लगेगा।
तो यू नो कि हमें क्लियर है कि 50% कंप्लीट होना है, तो 3 मिनट में यहाँ पे 50% हो जाएगा, यहाँ 12 मिनट में 50% हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो 3 से कम आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट भी दे दिया तो 50 तो यहीं से हो गया, प्लस इससे भी कुछ हो जाएगा, जबकि हमें 50% ही कंप्लीट करना है, राइट। तो हमारा आंसर 3 से कम आने वाला है। और कैसे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेशन, तो उसके लिए रफी सर का ये ट्रिक ध्यान रखो, टी इफेक्टिव इक्वल टू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2 से आप निकाल सकते हो, वेयर T1 इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट, 12 इंटू T2 इज सेकेंड, तो थर्ड डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 36 बाई 15, 2.4। अगर नियरेस्ट इंटीजर में पूछे तो आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 से कम है, और अगर ऑप्शन गिवन होगा तो 2.4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली इस वाले हमारे ट्रिक से आप कर लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर से रिलेटेड है। वैसे तो ये ट्रिक बहुत इजी है, बट आपको ध्यान से समझना है और थोड़ा फील करना है। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 कि रेट जो होता है वो डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जनरली अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई रिएक्शन आपका x डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो रेट R है। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर x प्लस 10 कर दिया, तो अब रेट क्या हो जाएगा, 2R, डबल हो जाएगा। जनरली जब तक क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो डबल मानते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि इतना टाइम्स हो गया तो फिर उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर x प्लस 10 से x प्लस 20, डेट मीन्स अगेन 10 बढ़ा दिया, तो फिर इसका डबल हो जाएगा, तो 4R एंड सो ऑन। तो इसलिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको दे देगा कि किसी टेम्परेचर T पे हो रहा था और T प्लस 50 पे बताओ, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, डेल्टा T बाई 10 निकाल लेंगे। डेल्टा T बाई 10 निकालना बहुत ईजी, राइट। क्यों? क्योंकि किस टेम्परेचर पे हो रहा है प्लस वहाँ से कहाँ आप ले गए, तो वो डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा T निकाल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और उसको अल्फा की पावर में डाल देना है। तो कभी भी रेट एट टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय रेट एट टेम्परेचर टी निकालना हो तो अल्फा की पावर डेल्टा टी बाय 10, वेयर अल्फा 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू होगी। जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो हम 2 लेते हैं और अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जो रिएक्शन होगी वो दो तरह की हो सकती है, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। ध्यान से समझो बेटा, एकदम ईजी है। इंडो में खुद ही वर्ड लगा हुआ इन, डेट मीन्स इसमें हीट इन होगा, और हीट इन होने का मतलब हीट रिक्वायर्ड है। आप खुद ही सोचो, अगर किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है और आपने उसको दिया तो डेट मीन्स वो सपोर्ट क्या, सपोर्ट करोगे तो वो चीज़ें आगे जाएंगी, राइट। तो इसलिए कभी भी इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो, रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा रेट वर्सेस टेम्परेचर का, वो इंक्रीजिंग होगा। ध्यान दें, ये भी इंक्रीजिंग है, बट ये वाला नहीं आपको ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जबकि रेट बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडोथर्मिक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो फेवर करेगा। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। एक्सोवर्ट से याद रखेंगे, एग्जिट बाहर निकलना, इसमें हीट आउट होती है, डेट मीन्स हीट का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इसलिए आउट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। इन हो रहा है, गेन हो रहा है, राइट, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। कभी दिक्कत हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या रेट कांस्टेंट आपका कम होगा। ये वो पहला केस है जहां पर रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। पॉइंट नंबर 4 कि जब अगर हम ग्राफिकली डेल्टा एच निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला फिक्स है, ऑलवेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डिफाइंड होता है ये, राइट, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का। याद रखने के लिए मैंने सिंपल कनेक्ट किया FB फेसबुक, जो डेट मीन्स फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑलवेज करना है, या प्रोवर्ड से याद रखना है, ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। इसका फॉर्मूला बेटा जो है ना वो फिक्स है, ये ध्यान रखना।
ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फिर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये होगा। अब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आ गई अगर ये डेल्टा एच, तो इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है, नेगेटिव आ गया मतलब एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, जो एनर्जी है प्रोडक्ट का वो कम है और रिएक्टेंट का वाई एक्सिस पे है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच मेरा क्या आने वाला है, प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा, नेगेटिव। इसलिए ये कैसा ग्राफ है, किसका, एक्सोथर्मिक का। तो आपको कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, चार ग्राफ दे दिया विच इज इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ। पॉइंट नंबर टू, इसमें ध्यान देना है कि डेल्टा एच को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, जहां पे रिएक्टेंट होगा उससे पीक पॉइंट का डिफरेंस, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे बैकवर्ड का कैसे निकालेंगे, जहां पे आपका प्रोडक्ट होगा उससे पीक पॉइंट का डिफरेंस, वो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की होगी। और ये फॉर्मूले से आपको ऑलवेज निकालना है, इस पर बेस भी कई बार प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जो कि सिंपल है एकदम, राइट। अब अगर इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, देखो बेटा कैटलिस्ट ऐड करने से सिर्फ रिएक्शन का क्या चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो, पहले ये वाला पाथ था तो अब ये वाला रास्ता इसने चुन लिया, बस पाथ चेंज हो जाता है। और मैंने चूंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको थोड़ा कम किया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, निगेटिव होता तो इस ब्लैक वाले से ऊपर में होता, डैट इज ओके। तो कैटलिस्ट ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिएक्शन का पाथ चेंज हो रहा है। डेल्टा एच में कोई चेंज हो रहा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी एनर्जी जो प्रोडक्ट की थी रिएक्टेंट की वो सेम ही रहती है। कैटलिस्ट ऐड करने से एनर्जी प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता, एनर्जी रिएक्टेंट का चेंज नहीं होता, डेल्टा एच चेंज नहीं होता, रेट कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। क्योंकि जनरली बच्चों के माइंड में आ जाता है कि ये सब चेंज हो जाएगा, बेटा कुछ भी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है सर, रिएक्शन का पाथ। और क्या चेंज होता है, जितना फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है उतना ही बैकवर्ड का, क्योंकि एक तरह से क्या समझो, ये पहाड़ है तो राइट पहाड़ थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे आ गया, तो दोनों में चेंजेस सेम रहेंगे। इसलिए चेंज क्या हो जाएगा, रिएक्शन का पाथ, या और क्या चेंज होगा, रिएक्शन के कंप्लीट होने का टाइम, वो चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें चेंज नहीं होती है। कैटलिस्ट ऐड करने से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फाइव, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपको अगर इस तरह से ग्राफ दे दे और ये रिएक्टेंट है और ये यहाँ प्रोडक्ट है, इस पॉइंट को क्लियरली समझना बहुत ईजी है। ये ट्रांजिशन स्टेट को आप कैसे पहचानेंगे, जो पीक पॉइंट होगा, और इंटरमीडिएट को वो भी डाउन वाला पीक पॉइंट जितना भी होगा वो इंटरमीडिएट होगा, राइट। तो इसलिए ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना है कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट ऑलवेज होगा, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इसलिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस वन होगा। तो ये सारे पॉइंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप एक बार तो देख लीजिए। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में चार ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि कौन सा करेंट ग्राफ है पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। तो यू नो पॉजिटिव कैटलिस्ट से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, राइट। तो पहला वाला ग्राफ क्यों रॉन्ग हो गया, ध्यान से देखो, ये डॉटेड वाले जितने भी है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसका इससे ऊपर हो गया जबकि नीचे ही रहेगा, राइट, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बी वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम है। सी वाला क्यों रॉन्ग हो गया, ध्यान से देखो, कभी भी जो कैटलिस्ट का ग्राफ होगा वो नॉर्मल ग्राफ से अंदर में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये बाहर चला गया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ भी इसका पीक पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, आप ध्यान से देखो, तो इसलिए वेरी इजी है, और ये 2023 में आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जस्ट ग्राफ से आपको पिकअप करना है कि कौन पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट का बोलेगा तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल ग्राफ है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वाले इसके अंदर में ही होंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट वाले ऑलवेज इसके ऊपर में होगा, ये ध्यान रखना है। ये आपका नेगेटिव का है, ये डॉटेड वाला पॉजिटिव का है, और ये वाले विदाउट कैटलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपका रिसेंटली 2023 में ही पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है, कि इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया गया है, इसमें कितने इंटरमीडिएट होंगे, तो कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा। वेरी वेरी इजी, ध्यान से देखो कैसे। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अभी आपको ट्रिक में बताया, ऑलवेज जितने पीक पॉइंट होते हैं डेट इज ट्रांजिशन स्टेट उससे एक कम। तो ध्यान से देखो पीक पॉइंट, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ है, वन, राइट, ये एक पीक पॉइंट है अप वाला जितना भी, और ये तीन। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या उसी को नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, तो आंसर कितना रहेगा, थ्री।
इंटरमीडिएट ध्यान से देखो, ये वाला जो डाउन वाला पीक पॉइंट होंगे वो सब इंटरमीडिएट होगा, तो दो ही हैं राइट, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, दो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होंगे राइट, और सबसे स्लो कौन होगा, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी का गैप ये है राइट, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ध्यान से देखो ये एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि बाकी में फिर एनर्जी का गैप कम है। यहाँ ध्यान से देखो ये एक गैप, बस आपको क्या देख लेना है कि जो लोएस्ट पॉइंट है और पीक पॉइंट है उसके बीच का गैप, तो एक ये गैप है आपका राइट, एक आपका ये गैप है जो आप ध्यान से देख रहे हो, और एक आपका ये गैप है, तीन गैप है, आप खुद ही देख लो ध्यान से, आपकी आंखों के सामने सबसे बड़ा गैप कौन है वो, तो इस वाले पाथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा राइट, रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्लो इसी में होंगे, तो इसलिए वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा है, ये टू वाला, तो एस टू, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आए हुए, आप ध्यान से देखो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर थ्री में चार ग्राफ गिवन था और पूछा जा रहा है कि विच इज़ करेक्ट फॉर इंडोथर्मिक, ध्यान दें इंडो इन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट कम होता जा रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज ग्राफ आएंगे राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जा करके ये फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखो रेट कांस्टेंट बढ़ता जा रहा और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा राइट, तो इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर में डेल्टा एच गिवन था माइनस में, ध्यान दें माइनस में 20 किलो जूल, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल है, तो बैकवर्ड का क्या होगा, 2021 में पूछा गया है, तो अगेन सिंपल आपको क्या बताया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, फेसबुक से याद रखना था आपको राइट, तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वही पुट करना है, माइनस 20 इज इक्वल टू फॉरवर्ड का 30 माइनस ई ए बैकवर्ड, तो यहाँ से ई ए बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इधर ले आओ तो 30 प्लस 20 डेट इज 50, योर आंसर विल बी 50, ये पूछा हुआ है इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर फाइव में डेल्टा एच गिवन था माइनस में 40 किलो जूल राइट, फॉर ए गिव्स यू बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो 2/3 है, तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, इससे इजी क्या हो सकता है, आप देखो 2015 में पूछा हुआ है, अगर इसका रेशियो 2/3 है तो ध्यान से देखो ये 2/3 रेशियो बनेगा नहीं, 30/70 2/3 नहीं हो सकता, 70/30 7/3 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, 80/120 यस यही हो जाएगा 2/3 राइट, 4 × 80 4 × 3 = 120 और 60/100 ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और अगर इसको सॉल्व करना हो तो वेरी सिंपल, डेल्टा एच इज गिवन टू यू, डेल्टा एच कितना आपका ध्यान से देखो माइनस में 40, डेट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, आपको रेशियो गिवन है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, अब पुट कर दो तो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज इक्वल टू माइनस में 40, तो अब ध्यान से देखो ये 3 − 2 − 1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए बैकवर्ड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए ई ए बैकवर्ड क्या हो जाएगा आपका 40 × 3 डैट इज 120, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक ग्राफ गिवन था और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, डैट मीन्स सी से क्या बनाना है, ए एंड बी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, तो ध्यान से देखो सी यहाँ है और इससे ए और बी, तो डेफिनेटली ये हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैप आप देख सकते हो, क्योंकि सी से ए भी अगर बनाना है तो आपको पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से खुद ही उतर जाएंगे राइट, समझने के लिए सिंपल सा, तो सबसे ज़्यादा हाई एक्टिवेशन है तो ये तो करेक्ट है। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, डी कहाँ है, यहाँ है, तो डी का अगर आप ध्यान से देखो तो 10 है, जबकि वहाँ पे सी जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, इनफैक्ट अगर देखो ध्यान से तो 0 है, वी कैन से
क्योंकि रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे ही है। तो इस जिसका ज़्यादा एनर्जी होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सही है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। तो इसलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। और कैसे चेक करो, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन डेट टू फॉर्म डी। एक बार सी बनाना है और एक बार डी, तो एक बार ध्यान से देखो, ए प्लस बी से जब सी बनेगा तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, ध्यान से देखो, 20 में से 5 गया तो 15, राइट। और ए प्लस बी से अगर मुझे डी बनाना है तो ध्यान से देखो गैप कितना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, 15 - 5 डेट इज 10। तो क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस, लेस वर्ड गलत हो गया, मोर है, ध्यान से देखो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गैप तो 5 का, बट 5 किलो जूल पर मोल मोर देन डेट ऑफ डी है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे, कभी भी कोई चीज़ बनाना, जैसे सी से ए भी बनाना है तो आपको ध्यान से देखना है कि बस सी को यहाँ तक पहुँचा देना है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद वो खुद ही उतर जाएगा। ऐसा मानो एक पहाड़ है तो वहाँ तक अगर हम चढ़ गए तो उतरना ईजी है। बस ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये कंसेप्ट, ये लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज होगा। तो सिंपल आपको क्या फंडा दे रखा हूँ, 2 की पावर, डबल बोल रहा है इसलिए 2 की पावर डेल्टा टी बाई 10, डेल्टा टी कितना है 50, तो 2 का पावर 50 बाई 10, तो कितना हो गया 2 की पावर 5, डेट इज 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 180 है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 200 है, अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा। तो आपको बता रखा हूँ, कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या रेट कांस्टेंट, ये सब चेंज नहीं होता है, तो जो पहले होगा वही बाद में भी होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, राइट, एफ बी वर्ड से याद रखेंगे। फॉरवर्ड आपको गिवन है 180 माइनस 200 डेट इज -20, तो आंसर ए हो जाएगा, प्लस मत कर देना और ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर की अगर बात हो तो ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। बट मॉलिकुलरिटी की बात करें, डेट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ए टाइम कितना कोलाइड हो रहा है, तो आइदर वो 1 हो सकता है सिमिलर मॉलिक्यूल वाले, या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल वाले हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और रेयरली कभी कभी 3 तक जाता है। तो मॉलिकुलरिटी जो है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और फिक्स है, आइदर 1 होगा, ज्यादा चांस उसी के रहते हैं, या 2 होगा, 3 भी रेयर हैं, राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। बट ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। हेलो एवरीवन, कैसा का है? देखो, वी ऑलरेडी नो कि जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेशन, वो भी रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पहले ध्यान से समझे, पॉइंट नंबर 1 कि जो रेट कॉन्स्टेंट है के, वो बराबर किसके होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, राइट, ये इक्वेशन सबको मालूम होता है। तो इसमें पॉइंट सब जो इम्पोर्टेंट है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी इस पे बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका के है वो एक्चुअली रेट कांस्टेंट है, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ईए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है ये, वेरी सिंपल, अगर मैं एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये जो मॉलिक्यूल सब यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए यहाँ तक आने के लिए, अगर वो इस पीक पॉइंट पर आ गया तो इधर खुद ही वो आ जाएगा। तो इसीलिए वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल को, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो पॉइंट नंबर 2 में कि एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। तो वो एक मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए
क्योंकि उससे कम अगर हो गया तो फिर वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जिससे कम एनर्जी होने पे मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ईए के बारे में क्लियरली समझ लेना है। वैसे ही आर क्या है, तो आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है एसआई यूनिट में 8.314, जिसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 25/3 भी यूज कर सकता हूँ, यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। तो आर के बारे में क्लियर है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर ऑलवेज हमें किस में पुट करना है, केल्विन में, ये भी ध्यान रखना है। पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर जहाँ भी पुट करना हो तो केल्विन में। तो टेम्परेचर के बारे में क्लियर है, आर के बारे में क्लियर है। नाउ पूरा ये टर्म e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। वो जो आगे का ये जो पार्ट है e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, क्योंकि यही बताया कि इसको एक पहाड़ मानो, तो यहाँ तक अगर मॉलिक्यूल पहुँच गया, इतना अगर उसके पास एनर्जी है, ये जो गैप है इतना एनर्जी, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट समझना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये ना देकर के, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, तो डेट मीन्स आपको क्या निकाल देना है, रेट कांस्टेंट बाय ए का रेशियो, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखो ए क्या है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है, तो इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, जिसकी जनरली वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर वो कैंसल आउट ही हो जाते हैं, रेशियो वाले प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे ई जो है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.718 होता है। तो पहले ये चीज़ आप समझ लो, इस पे बेस भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा रेट कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसीलिए हम अगर बात करें कि हमारा रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है, तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर इंडोथर्मिक। क्यों? टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट उसमें बढ़ता है, और इस टाइप से आपको बनाना है। ध्यान दें, इस टाइप का आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा अगर बना दें तो क्या हो गया कि एक टेम्परेचर के बाद आपका रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या हो गया, वेरी करना बंद कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा। तो दिस इज फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वी नो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कम होगा, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, डैट मीन्स ऑलवेज कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसलिए कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, अगर के वर्सेज टी की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडो होगा तो इस टाइप से बनाना है इंक्रीजिंग, एक्सो होगा तो डिक्रीजिंग बनाना आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, दोनों साइड आप नेचुरल लॉग ले लो, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए और माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, राइट। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ग्राफिकली भी और इस टाइप से, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी। बस पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग लिया है, अगर लॉग विथ बेस 10 में बात करूँ, लॉग के अगर ऐसे लिखा हो तो दोनों में डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2.303 आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी अगर ln लिखा है तो वो लॉग विथ बेस ई है, और सिर्फ लॉग लिख दिया है तो लॉग विथ बेस 10 है। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको लॉग बोल रहा है या नेचुरल लॉग बोल रहा है, क्लियरली वो मेंशन करेगा। और नेचुरल लॉग से लॉग में जाना हो तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आए, नेचुरल लॉग से मैं लॉग में चला गया हूँ। तो दोनों का ध्यान रखना, दोनों से जब ग्राफ बनाएंगे ln के वर्सेज 1/t, तो स्लोप सिर्फ माइनस ई ए बाई आर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ये सम कांस्टेंट c माइनस mx, इस टाइप का हो गया। बट वहीं पे log के, सिर्फ ध्यान से देखो ln है यहाँ, log के वर्सेज 1/t सेम रहेगा, तो स्लोप में माइनस ई ए बाई आर तो होगा ही, और 2.303 से और डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना आपको, कई बार यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पॉइंट नंबर टू, कि अगर एक टेम्परेचर t=t1 पे रेट कांस्टेंट k1 है, t=t2 पे रेट कांस्टेंट k2 है, तो
आपको कैसे रिलेट करना है टेम्परेचर को, वेरी सिंपल, ln of K2 by K1 is equal to EA by R 1 upon T1 minus 1 upon T2. अगेन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो जो कम हो, ताकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 1 बाई में है, और यहाँ पे ज़्यादा वाला पुट करो ये कम हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, R पॉजिटिव होता है, EA पॉजिटिव होता है, इसलिए फिर यहाँ पे आप वैसी वैल्यू पुट करो जहाँ पे लॉग पॉजिटिव हो, डैट मीन्स K1 छोटा होना चाहिए और K2 बड़ा होना चाहिए, तो वेरी सिंपल है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इधर भी पॉजिटिव बनाओ इधर भी पॉजिटिव बनाओ, आप देख लो एडजस्ट कर दो अपने हिसाब से। तो ये आपका अगर एक टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है तो T2 पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज होगा। अगेन वही पॉइंट कि ये नेचुरल लॉग में अगर ले जाएंगे तो ये 2.303 कन्वर्जन फैक्टर का डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है, कभी कभी इस टाइप का इक्वेशन देगा तो वहाँ से कंपेयर करके निकालने में इसी का गलती होता है, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देना आपको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगा तो, क्यों, क्योंकि यहाँ से समझो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप, तो जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उस मॉलिक्यूल को वहाँ तक ले जाने में, इसलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का इंक्रीज हो रहा है डैट मीन्स वो रिएक्शन टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर दोगे तभी वो रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि वो गैप बढ़ गया, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ध्यान से देखो, अगर ईए बढ़ेगा चूँकि माइनस लगा हुआ है तो 1/EA/RT हो जाएगा, तो ये वैल्यू कम होगी, इसलिए आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छे समझ लेना, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट कम होगा। अगर कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाता है तो सर, तो देखो जीरो पुट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, डैट मीन्स रेट कांस्टेंट आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर हो गया, डैट मीन्स रेट कांस्टेंट इस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, और ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो कंपैरिजन वाले लिए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, 2021 में, राइट। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, या एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, या लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो इसको जस्ट कंपेयर करना है आपके गिवन इक्वेशन से और आपका आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि के इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ई की पावर माइनस 26000, यह कैलविन है, के बाई टेम्परेचर टी कैलविन में, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो ये ए की वैल्यू हो गया ई की पावर, तो यहाँ से ध्यान से देखो टी है ही, तो डैट मीन्स वी कैन से कि 26000 इज इक्वल टू ई ए बाई आर। तो हमें क्या निकालना है, ई ए, और ध्यान दो किलो जूल पर मोल में, तो ई ए कितना हो जाएगा 26000, आर की वैल्यू 8.314 ले लो, और चूंकि किलो जूल में ले जाना है ये अभी जूल में आएगा तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 216 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एल एन के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2×10⁴ केल्विन बाय टेम्परेचर है, तो ई ए बताना है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ई ए बाय आर के बराबर हो जाएगा 2×10⁴। हमें एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में बताना है, तो यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए कितना हो गया 2×10⁴, आर की वैल्यू पुट कर दो 8.3, राइट, किलो जूल में लेना है तो 10³ से डिवाइड, तो ये 1 10 बच जाएगा, तो ये ध्यान से देखो तो ये 8 to the 16, तो 166 आ जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस 2.47×10³ गिवन है, और अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है बेटा, बस ध्यान देना है यहाँ लॉग ले लिया है, तो इसलिए अब जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई ए बाई आर इंटू 2.303 इज इक्वल टू 2.47×10³। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसी का गलती होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग लिख दिया तो वो विथ बेस 10 है,
और अगर नेचुरल लॉग लिखता है ln तो बेस e है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से ea कितना आ जाएगा, 2.47 10 की पावर 3 इंटू आर 8.3 इंटू 2.303। तो किलो जूल में ले जाना है, तो ये किलो जूल का आ गया, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको आ जाएगा 47 किलो जूल पर मोल। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एंड 5 में और 6 में सब में ग्राफिकल प्रॉब्लम गिवन थे, तो इस टाइप से ध्यान से देखो कैसे है। अगेन आपको रीड करना है, ये ln k वर्सेज 1/T ग्राफ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो इसका स्लोप आप निकाल लो। क्यों? क्योंकि वी नो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt, तो ग्राफ जो है वो ln के y एक्सिस पे, राइट। और ध्यान से देखो 1/T आपका x एक्सिस पे, तो जो स्लोप हो गया वो किसके बराबर है, ea बाय rk, डेट इज इक्वल टू, यहाँ से स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1, राइट। तो 20/5 डेट इज 4, तो यहाँ से ea कितना हो जाएगा, 4 इंटू कैलोरी में निकालना था, r की वैल्यू 2 होती है, तो 2 डेट इज 8 कैलोरी पर मोल, तो योर आंसर विल बी 8। तो बस कंपैरिजन का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ln k वर्सेस 10 की पावर 3/T ग्राफ गिवन है और उसका स्लोप तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो अगेन वी नो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt, बट यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10 की पावर 3/T तो इसने क्या ले लिया, x एक्सिस पे, और ln के आपका y एक्सिस पे, तो ये हो गया c माइनस स्लोप, आप ध्यान से देखो क्या हो गया, ea बाय r इंटू 10 की पावर 3, बस इसका ध्यान रखना है, ea बाय r इंटू 10 की पावर 3 स्लोप है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 18.5 के। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किलो जूल में, तो इसलिए यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 18.5 इंटू आर 8.3 इंटू 10 की पावर 3, और हमें ये जूल में आया, किलो जूल में निकालना है, तो 10 की पावर 3 से आपको डिवाइड, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, तो किलो जूल में आ जाएगा, तो 18.5 इंटू 8.3 कितना हो जाएगा, 154 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 में लॉग के वर्सेज 1/T ग्राफ आपको गिवन है, स्लोप गिवन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो वी नो की लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 rt होता है, बस इस पॉइंट का ध्यान देना है। तो लॉग के जो है आपका वो वाई एक्सिस पे है, और ध्यान से देखो 1/T आपका एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब जो स्लोप है ई ए बाय 2.303 r है, डेट इज इक्वल टू 10 की पावर 4, बस कंपेरिजन कर देना है। तो यहाँ से ई आ जाएगा 2.303 इंटू आर 8.3 इंटू 10 की पावर 4, ये जूल में आएगा, आपको किस में निकालना है, किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक 10 बच जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 191 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में ए गिव्स यू बी, डेल्टा एच आपको गिवन है 20 किलो जूल पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का अनकैटलाइज रिएक्शन का 300 गिवन है एट 327 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कैटलाइज रिएक्शन का पूछा है, कंडीशन क्या गिवन है कि जो कैटलाइज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस पे, वो बराबर है अनकैटलाइज का 327 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से देखो, बहुत ईजी होते हैं ये सब क्वेश्चन, कैसे करना है आपको, आपको जो गिवन है उसको पहले लिख लो, एक तरफ कैटलाइज का गिवन है और एक तरफ अनकैटलाइज का। वी नो रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, राइट। तो कैटलाइज रिएक्शन का अगर मैं रेट कॉन्स्टेंट लिखूं, तो ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए नहीं मालूम है, बाई आर टेम्परेचर 27 मतलब 300, दिस शुड बी इक्वल टू अनकैटलाइज में ए इंटू माइनस ई ए आपको गिवेन अनकैटलाइज का कितना 300 बाई आर और टेम्परेचर ये 327 पे तो 600। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, अब ये दोनों चीज़ इक्वल कब हो सकते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 300 से ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे ई ए को कितना होना पड़ेगा, ध्यान से देखो 150, क्योंकि 150 होगा तभी जा कर के ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और दोनों सेम होंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का आ गया है, किसका, कैटेलाइज रिएक्शन का, या चुका है। नाउ वी नो कि कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो डेल्टा एच, यही पॉइंट था वहाँ पे, डेल्टा एच 20 है, तो डेल्टा एच ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। डेल्टा एच आपको मालूम है हाउ मच, 20 किलो जूल पर मोल। ई ए फॉरवर्ड अभी आप निकाल चुके हो कितना, कैटलाइज के लिए 150, ये सब कैटलाइज के लिए लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच कैटलाइज हो या अनकैटलाइज हो सब में सेम रहेगा, माइनस ई ए बैकवर्ड, तो ई ए बैकवर्ड आपको बताना था, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 150 माइनस 20 इज 130। इससे ईजी क्या हो सकता है आप बताओ, क्योंकि जब आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, कैटलिस्ट ऐड करने से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर ये अनकैटलाइज रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, सिर्फ ये पीक पॉइंट चेंज हो जाएगा, राइट? बट अभी भी देखो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वही है, राइट? इसलिए आपका डेल्टा एच अभी भी वही रहेगा, इसलिए इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल है, और उसी हाइड्रोजन का अगर एडजॉर्प्शन प्लेटिनम सरफेस पर है तो 41.4 किलो जूल पर मोल है एट 300 केल्विन, तो लॉगरिदम ऑफ रेशियो ऑफ रेट्स बताना है। तो ध्यान से देखना, वर्ड में फंसाया, लॉगरिदम निकालना, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10, नेचुरल लॉग होता तो वो क्लियरली लिखता कि नेचुरल लॉग निकालो। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, वी नो रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं के निकेल का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए आपको गिवन था 30, ध्यान देना किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 बाई आर और टी आपका 300। वैसे के पी टी का अगर लिखूँ तो ए इंटू ई की पावर ई ए 41.4 किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 आर, क्योंकि ये जूल में पुट करोगे, और बाय 300। यूनिट का खास ध्यान रखना है। अब हमें रेशो ले सकते हैं, हम रेशो लेंगे तो के एन आई बाय के पी टी आपका क्या हो जाएगा, ए ए कैंसल, तो ये ए की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, तो आपका हो जाएगा 11.4 इंटू 10 की पावर 3 बाय आर इंटू 300। अब मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा तो 11.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई आर इंटू 300। अब हमें लॉगरिदम निकालना, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10, तो कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग ln इज इक्वल टू क्या होता है, ln x इज इक्वल टू 2.3 log x, हमें log निकालना है तो ये 2.3 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए log ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू 11.4 10 की पावर 3 2.3 r की वैल्यू 8.3 और ये 300। तो यहाँ दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेट कांस्टेंट के गिवन है 0.03 एट 200 केल्विन, रेट कांस्टेंट के 0.05 है एट 300 केल्विन, तो एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। एक चीज़ और यहीं पे ध्यान से देखो, ये भी पूछा जा सकता था, यहाँ देखो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ाए, डैट मीन्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, तो वेरी सिंपल, अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, ln of k2 by k1 is equal to ea by r 1 upon t1 minus 1 upon t2, right? अब यहाँ पे आपको सब गिवन है, पुट कर दो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, तो ln of k2, इसको k2 मानो, इसको k1, right? आपको बताया था जो बिग वैल्यू होंगे, तो 0.05 by 0.03, तो ea निकालना है by r 1 upon जो छोटा वैल्यू होगा ताकि ये बड़ा हो, इसको पॉजिटिव रखना है, तो 200 माइनस 1 अपॉन 300। तो यहाँ से ये नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में ले जाऊँ तो लॉग ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाई 3 इज इक्वल टू ई ए निकालना है बाई आर 8.3 और 2.3 ये नेचुरल लॉग का लॉग में कन्वर्जन का, और ये 1 बाई 100 कॉमन आपका, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ से ई आ जाएगा। log 5 बाई 3 को क्या ले सकते हो, log 5 माइनस log 3, log 5 जो होता है वो 0.7 और log 3 होता है 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 0.22। तो यहाँ से देखो आप ई ए कितना आ जाएगा 0.22
22 इंटू नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.3 इंटू 2.3 इंटू में 100। और यहाँ ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6, तो 6 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो ये आ जाएगा आपको इंटू में 6। तो यहाँ से आपको आ गया ईए। अब जूल में बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2520 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 में रेट कांस्टेंट के गिवन है 1×10^-3 एट 300 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी 11.48 किलो जूल पर मोल है, तो रेट कांस्टेंट के बताना है एट 200 केल्विन पे, x×10^-5 है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वही जो आपको फॉर्मूला बताया, ln of K2/K1 is equal to EA/R 1/T1-1/T2। हमने क्या बोला था, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। तो ध्यान से देखो, ये आपको किलो जूल में है, तो क्या लिखोगे, 11.48×10^3 जूल्स में, क्योंकि आर की वैल्यू 8.3 आप पुट करोगे, ये जूल्स में होगा, तभी कैंसिल होगा। 1/ यहाँ पे 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट, 1/T1, तो यहाँ पे आपको 200 पुट करना पड़ेगा, कम वैल्यू से डिवाइड किया तो बिग वैल्यू हो जाएगी -1/300। दिस शुड बी इक्वल टू ln ऑफ, अब यहाँ पे 200 वाला है तो इधर आपको पुट करना पड़ेगा 10^-3/K, जो कि निकालना हमें एट 200 केल्विन, राइट। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं, राइट, 11.48×10^3 8.3, इसका 100 कॉमन निकालोगे तो 1/100, 1/2-1/3 इज 1/6, इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 2.3। अब ये 2.3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 10, क्यों, क्योंकि वी नो ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वी कैन राइट कि ln 10 इज इक्वल टू 2.303 log 10, log 10 1 हो जाता है, तो ln 10 कितना हो जाएगा 2.3, तो ln और इधर भी ln है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 10^-3/K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो इसलिए k कितना हो गया आपका 10^-4। हमें जो आंसर बताना है वो 10^-5 में, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 10×10^-5, तो हमारा आंसर x कितना हो जाएगा 10। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने आपको रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसके प्रॉब्लम को कैसे सिंपली सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया दे दिया है। आप इस पे बेस किसी भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं। थैंक यू।